हेलो एवरीवन सीएलसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे जे एडवांस 2021 का पेपर आ, पेपर एंड उसका सॉल्यूशन की 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 बात की जाए फिजिक्स की, तो पेपर फर्स्ट पेपर टू के कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था ओवरऑल पेपर की बात की जाए तो पेपर बैलेंस था दो तीन क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो ऑलमोस्ट जो पेपर था वो काफी ठीक था बच्चों के फेवर का था आ, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन वन पेपर फर्स्ट इस सेक्शन में टोटल फोर क्वेश्चंस लिए गए हैं सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस थे ये और वही सेम मार्किंग फुल मार्क्स जो थे प्लस थ्री अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो आंसर सही होता है तो और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो जीरो एंड देन नेगेटिव की बात करें तो माइनस वन नेगेटिव राइट तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करें अपन क्वेश्चन नंबर वन जो है वो इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है मेजरमेंट से लिया गया है वर्नियर कैलिपर्स का ये क्वेश्चन है

अगर हम फर्स्ट डायग्राम की अगर बात करें तो ये मेन स्केल हमें गिवन है लेकिन मेन स्केल का जो जीरो है वो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ कोइन साइड नहीं हो रहा है है ना वर्नियर स्केल के जीरो के साथ कोइन साइड नहीं हो रहा है तो वर्नियर स्केल जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्टेड है अगर ये राइट right साइड में शिफ्टेड होता तो उसके इसमें पॉजिटिव जीरो एरर आता लेकिन अगर ये लेफ्ट साइड में शिफ्टेड है देन वी कैन से यहां पर नेगेटिव जीरो एरर है तो अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो फाइनल जो रीडिंग आती है उसके अंदर जो भी नेगेटिव जीरो एरर आता है उसका मोड लेकर के उसको हम ऐड कर देते हैं रीडिंग के अंदर देन हमारे पास एक्चुअल रीडिंग आ जाती है ठीक है तो ये जीरो एरर का क्वेश्चन था और काफी इजी क्वेश्चन है तो चलिए इसको शुरू करते हैं तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो वन एमएसडी है वन मेन स्केल डिविजन जो है वो हमें यहां गिवन है विच इज पॉइंट सेंटीमीटर

Is equal to 9 MSD. So 1 VSD is equal to 9 by 10 means 0 0.9 MSD. 0 0.9 MSD. 0.9 MSD. Okay, so 1 VSD is equal to 0.9 MSD. And 1 MSD is uh, 0 0.1 centimeter. Or we MmB 1 mm. Bhi bol sakte तो वन VSD जो है यहां पर वो हमारे पास आ गया वन वी एस डी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन एम एम और सेंटीमीटर की बात की जाए तो जीरो पॉइंट जीरो नाइन सेंटीमीटर यह है तो वन MSD और वन VSD का जो डिफरेंस है यहां पर अगर हम डिफरेंस की बात करें अगर मैं mm में लूं तो वन एम मतलब बोले तो जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर या वन एम एम तो वन एम एस डी वन एम एस डी माइनस वन वी एस डी तो इनका अगर डिफरेंस लिया जाए यहां पर तो वो हमारे पास आएगा mm mm, mm. तो रिक्वायरमेंट mm तो थी हमें यहां पर तो चलिए अब रीडिंग सबसे पहले इसमें जीरो एरर को अपन, को करना है तो यहां पर अगर हम देखें तो मेन स्केल का ये वाला जो डिवीजन है ये वाला ये इसके साथ क्वेंस कर रहा है वर्नियर स्केल के.

ये जो डिफरेंस आ रहा है ये 0.1 mm के बराबर है। तो ये 0.1 mm तो तो यह जीरो पर फाइव हो चुका है ठीक है जीरो पॉइंट वन जीरो अगर ये जीरो पॉइंट फाइव है तो यहां पर ये क्लियरली नजर आ रहा है ये जो गैप यहां पर जो आपको यहां नजर आ रहा है ये देखिए दिस इज जीरो पॉइंट नाइन एम एम ये सब्टैक्ट कर दूं तो ये जो डिफरेंस है ये वाला, ये वाला, जो डिफरेंस है इन दोनों लाइन के बीच का ये जो मैं डार्क किया है मैंने ये डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा तो ये जो एरर आया हमारे पास इज इक्वल टू विच इज जीरो पॉइंट नाइन माइनस जीरो पॉइंट फाइव तो जीरो पॉइंट फोर एम एम के बराबर आ गया और सेंटीमीटर में बात करें तो जीरो पॉइंट जीरो फोर सेंटीमीटर आ गया तो ये नेगेटिव जीरो एरर है तो फाइनल जो रीडिंग आएगी उसके अंदर ये वाली वैल्यू एड करनी पड़ेगी तब तब जा, जाके आपके पास एक्चुअल रीडिंग आएगी अब हम बात करते हैं स्फीयर को जब इसमें रखा तो स्फीयर को रखने के बाद इसकी जो रीडिंग है वो कितनी आएगी इंस्ट्रूमेंट क्या रीडिंग देगा यहां पर तो उस रीडिंग को अपन देखते हैं यहां पर सबसे पहले तो चलिए इस वाले डायग्राम पे चलते हैं इस वाले डायग्राम पे चले तो यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि मेन स्केल का ये वाला जो डिवीजन है ये वनियर स्केल के फर्स्ट डिवीजन के साथ, साथ कर रहा है ये तो जीरो आ गया तो यहां पर मेन स्केल की रीडिंग क्या है थ्री है थ्री मतलब थ्री सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये वाला भी आ गया और ये जो जीरो है और जीरो वनियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जो ये फर्स्ट डिवीजन है इनके बीच में थोड़ा सा गैप आ रहा है ठीक है तो इसकी जो रीडिंग आएगी वो किस तरीके से हम लिखेंगे देखो मेन स्केल की रीडिंग थ्री पॉइंट वन सेंटीमीटर ये तो क्लियरली नजर आ ही रहा है यहां पर And then, plus में जो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कर रहा है? First division, तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट इज वन एम एस डी माइनस वन वी एस डी वन एम काउंट माइनस वन वी एस डी जीरो पॉइंट वन एम एम राइट जीरो पॉइंट वन एमएम तो जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर में हो जाएगा ये सेंटीमीटर में मैंने ये लिखा है तो ये रीडिंग कितनी है थ्री पॉइंट वन वन सेंटीमीटर

चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें आइए क्वेश्चन नंबर टू एन आइडियल गैस अंडरगोस ए फोर स्टेप साइकिल एज ऑन द पीवी डायग्राम बिलो ड्यूरिंग दिस साइकिल हीट इज अब्सॉर्बड बाय द गैस इन इसमें पूछा है कि, कि किस प्रोसेस uh, में या स्टेप में जो गैस है वो हीट को अब्सॉर्ब कर रही है ठीक है गैस हीट को अब्सॉर्ब कर रही है ओके अगर हम uh, यहां पर कॉन्सेप्चुअली देखें जैसे फर्स्ट अगर पार्ट की बात करें ठीक है फर्स्ट स्टेप की बात करें फर्स्ट प्रोसेस की बात करें तो इस प्रोसेस के अंदर प्रेशर जो है प्रेशर जो है वो है, ये, मतलब ये प्रोसेस हो गया, और आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए जो हीट जो गैस जो है वो एब्सॉर्ब करती है विच इज गिवन बाय डेल्टा टीव टू एनसीपी डी टी एनसीपी डेल्टा टी ठीक है तो सीपी जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर हीट कैपेसिटी है ऑफ मोल्स एंड तो इस पॉइंट पे टेंपरेचर और टी इनिशियल मतलब इस पॉइंट पे टेंपरेचर अगर आप गौर से देखो तो इस वाले पॉइंट पे टेंपरेचर कम होगा कारण क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन से अगर चेक करें पी वी इज इक्वल टू एनआरटी राइट तो इस इन दोनों पॉइंट के लिए पी तो कॉन्स्टेंट है लेकिन वी जो है वो इंक्रीज हो रहा है अगर वी इंक्रीज हो रहा है तो दैट मीस टी भी इंक्रीज होगा टी इंक्रीज होगा ओके अगर हम इस वाले प्रोसेस की बात करें तो यहां पर देखिए तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है यह आइसोकोरिक मतलब प्रोसेस जो है तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा क्यू एनसी डेल्टा टी के इक्वल होगा और एनसीवी डेल्टा टी ठीक है डेल्टा डेल्टा की तो अगेन वही सेम चीज टेम्परेचर डिफरेंस की बात करनी है तो प्रेशर डाउन हो रहा है तो यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है वाला प्रेशर डिक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब होगा मतलब ये हुआ हीट यहां से रिजेक्ट हो रही है इस, इस केस में ठीक है तो प्रोसेस 2 के अंदर हीट रिजेक्ट होगी प्रोसेस 3 की बात करें अगेन चले अपन तो अगेन आइसोबैरिक प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस जरूर है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा तो इसके भी हीट जो है वो रिजेक्ट होगी और अगर प्रोसेस फोर की बात करें अपन तो आइसोकोरिक प्रोसेस है और हम जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जिसका मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो अगेन टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा क्योंकि वॉल्यूम इज कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब डेल्टा 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 डी 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 इज 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 अ अ पॉजिटिव 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 दैट मींस क्यू इक्वल्स टू एन सीवी मतलब गैस जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो वन और फोर इन दोनों आ, प्रोसेस के अंदर जो गैस है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी स्टेप वन एंड फोर ओके तो ये काफी इजी सा क्वेश्चन था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ओके okay. तो ये क्वेश्चन uh, नंबर जो थ्री है वो रे ऑप्टिक से लिया गया है और काफी इजी क्वेश्चन है चलिए पढ़ते हैं एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ टेन सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एल वन एंड एल टू इज प्लेस टेन सेंटीमीटर बिहाइंड इट एस द फिगर द रेडाई ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑल द क्र सरफेस इन बोथ द देंस आर ट्वेंटी सेंटीमीटर द द द बोथ टोटल टोलिफिकेशन ऑफ दिस लेंस सिस्टम इज हमसे पूछा है नेट मैग्निफिकेशन कितना होगा इस लेंस सिस्टम के लिए सिंपल सी बात है यहां से जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ इससे फर्स्ट रिफ्लेक्शन इस लेंस से होगा इमेज फॉर्म होगी उसके लिए मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे फिर इससे जो इमेज बनेगी वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगी अगेन इसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मुला लगाएंगे ठीक है और एम टू कैलकुलेट करेंगे नेट मैग्निफिकेशन इज एम वन इंटू एम टू बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है तो उसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दोनों का वो आपको सेम दे रखा देखिए इसका भी ट्वेंटी इसका भी ट्वेंटी

देखिए तो मैं यहां पे लिख देता हूं फोकलेंथ एफक्वस टू प्लस ट्वेंटी और इस वाले की फोकलेंथ एफ टू इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है चलिए शुरू करते हैं तो ऑब्जेक्ट ओ को मैंने यहां रख दिया इससे लाइट रे आएंगी फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ तो सबसे पहले इमेज की लोकेशन फाइंड करते हैं इमेज कहां बनेगी देखिए बेसिक जो अप्रोच हैगा वन अपन वी माइनस वन अपॉन यू एंडर यू इज माइनस टेन इंसिडेंट रे के अपोजिट माइनस टेन आ गया एफ की वैल्यू ट्वेंटी uh, है तो प्लस ट्वेंटी रख दिया मैंने तो वन ओवर वी इक्वल टू वन ओवर ट्वेंटी माइनस प्लस लेकिन जाएगा माइनस हो जाएगा सो ईयर वी इज इक्वल टू वन बाई ट्वेंटी माइनस वन बाई टेन अगर बात की जाए तो वी बराबर का ट्वेंटी सेंटीमीटर आ गया सही है तो v इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर मतलब इसके लिए जो इमेज बनेगी वो इससे पीछे बनेगी राइट वर्चुअल इमेज बनेगी लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है हमें केवल मैग्निफिकेशन uh, से मतलब है तो m1 इस केस में देखा जाए तो वी बायू के इक्वल होगा v इज इज एंड u u एम वन इक्व टू टू तो हमारे पास इस लेंस के लिए मैग्निफिकेशन आ चुका है विच इज टू अब हमें बात करनी है कि जब ये लाइट रे इस इस लेंस लेंस पे इंसिडेंट होगी तो इस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इस लेंस की इमेज बनेगी मतलब इमेज कहां पर बन रही है माइनस ट्वेंटी मतलब इस तरफ इस तरफ ट्वेंटी सेंटीमीटर पर तो इस लेंस के लिए जो इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो ट्वेंटी प्लस टेन क्योंकि तो टेन भी तो इंक्लूड होगा टेन प्लस ट्वेंटी मतलब थर्टी सेंटीमीटर पे जो है वो ऑब्जेक्ट रहेगा तो इस लेंस के लिए अगर मैं फॉर्मुला लगाऊं वन ओवर वी माइनस वन अपॉन यूज इक्वल टू वन अपन एफ देखिए वन अपॉन वी माइनस अपॉन वन अपॉन यू यू इज माइनस थर्टी है ना इंसिडेंट है अपोजिट उस तरफ है और फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव तो का ट्वेंटी यहां से यह प्लस हो गया सो वन ओवर वी इज इक्वल टू माइनस वन ओवर थर्टी माइनस वन ओवर ट्वेंटी तो यहां से अगर हम एलसीएम लें तो ये आ जाएगा हमारे पास सिक्सटी देन ये माइनस का फाइव आ जाएगा ऊपर देन वी इज इक्वल टू आ चुका हमारे पास माइनस का ट्वेल्व सेंटीमीटर अगेन वी नेगेटिव आया है तो इमेज अगेन इसके लिए क्या है वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन इस इस वाले लेंस की बात करें तो m2 जो है वो अगेन v by u के इक्वल होगा v की वैल्यू यहां पर minus का 12 है और u की बात करें तो u minus का 30 था तो minus का 30 मैंने यहां रख दिया है माइनस मैंने ये कैंसिल आउट हुआ इसको अगर थोड़ा सिंपलीफाई करें अपन तो ये 4 ये 10 एंड देन फर्दर कट करें तो 5 ये 2 2 5 तो यहां पर जो

वो बी हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूक्लियर क्यू ऑफ सिक्स परसेंट एंड बीटा डीके विद प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्टी परसेंट ऑफ क्यू न्यूक्लियर इज वन थाउजेंड द नंबर ऑफ एल्फा डीकेस्ट वन आर इज तो जो न्यूक्लियस है क्यू

तो मतलब थ्री हाफ लाइफ के बाद में जो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो वन ट्वेंटी ठीक है तो इसका मतलबेंड में से वन ट्वेंटी सब कर दीजिए कितना आया ये आ जाएगा हमारे पास एट सेवनटी फाइव तो एट फाइव जो है न्यूक्लियाई वो डीके हो चुके हैं अब एल्फा डीके भी उसी के अकॉर्डिंग बताना है और एल्फा डीके की जो प्रोबेबिलिटी है वो परसेंट है तो इसका अगर सिक्सटी परसेंट अगर कैलकुलेट किया जाए बाय 100 तो देखिए कितनी वैल्यू आती है ये कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया 5 से कट करें तो ये फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन वन देन ट्वेंटी मतलब आ जाएगा, 5, 5 5, तो नंबर ऑफ एल्फा डी के जो है वो फाइव ट्वेंटी फाइव रहेंगे, ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले सेक्शन टू पे आ चुके हम और सेक्शन टू में टोटल जो क्वेश्चन हैं वो थ्री लिए गए हैं ठीक है और देर आर टू क्वेश्चन टू ईच क्वेश्चन स्टैम ठीक है एक क्वेश्चन स्टैम जो है टोटल स्टैम्स हैं वो थ्री हैं और ए क्वेश्चन स्टैम के अंदर दो क्वेश्चन लिए गए हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है देखा जाए तो सिक्स हो जाएंगे इसके अंदर भी ठीक है और ये न्यूमेरिकल uh, वैल्यू इनकी रखनी थी ठीक है और अगर डेसिमल uh, में अगर वैल्यू आ रही है तो राउंड ऑफ करने के बाद टू डेसिमल प्लेस पर अपन को वैल्यू रखनी थी ठीक है तो क्वेश्चन जो है वो uh, थोड़ा अलग टाइप के हैं ठीक है ठीके? और वैसे देखा जाए तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू वाले ही क्वेश्चन है इसमें बस एक-एक क्वेश्चन के अंदर दो-दो क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं ठीक है और करेक्ट आंसर अगर आप देते हो तो इसका जो है मार्क्स हैं वो प्लस टू मिलेंगे और अगर आपने दूसरे केस मतलब इनकरेक्ट भी दे दिया है ठीक है तो उस केस में आपको जीरो मार्क्स अलॉट होंगे ठीक है या अटेम्प्ट नहीं किए तो भी जीरो है तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 2 को सेक्शन 2 पैराग्राफ फर्स्ट ओके a projectile is thrown from a point on the ground at an angle 45 degree from the vertical and with a speed of 5 root 2 meter per second the projectile at the highest point of its trajectory splits into two equal parts one part falls vertically down to the ground 0.2 second after the splitting the other part t seconds after the splitting falls to the ground at a distance x meters from the point o the acceleration due to gravity g equals to 10 meter per second squared. the value of t is this my t key value here बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये इस के क्वेश्चन क्लास में डिस्कस होते हैं बकायदा इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को इंक्लूड किया है एंड इवन सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट भी इसमें लगा है ठीक है तो क्वेश्चन क्या है देखिए आपने प्रोजेक्टाइल को एक थ्रो किया ये मैक्सिमम हाइट पे जब गया ठीक है हाईएस्ट पॉइंट यहां पर इसमें एक्सप्लोजन हुआ ठीक है दो इक्वल पार्ट के अंदर ये टूट गया तो पहला जो पार्ट है जैसे मैं अगर टोटल मास अगर टू एम करूं तो एम मास का जो ऑब्जेक्ट तो है ठीक है कितने बाद में? ये, जो रिमेनिंग पार्ट है उसका भी बराबर ही होगा उसकी ट्रेजेक्टरी कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए क्योंकि एक्सप्लोजन अगर मिड एयर में होता है तो सेंटर ऑफ मास की जो ट्रेजेक्टरी है उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है सेंटर मास की ट्रेजेक्ट्री पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा सेंटर ऑफ मास उसी पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता हुआ यहां तक आएगा ये डायग्राम थोड़ा सा यहां पे सेंटर पे है तो सेंटर ऑफ मास एक्टली आर डिस्टेंस पे गिरेगा आर मतलब प्रोजेक्टाइल की रेंज यहीं पे ही सेंटर ऑफ मास जो है वो इस पॉइंट पर लैंड करेगा ठीक है तो

तो दोनों की अगर वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी जीरो है तो दोनों को नीचे आने में सेम टाइम लगेगा इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट पार्ट अगर इसको जीरो पॉइंट फाइव सेकंड का टाइम लगता है यहां तक आने में तो सेंटर ऑफ मास को भी यहां तक आने में जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड का टाइम लगेगा ठीक हाँ लगे है थीके? और अगर सेंटर ऑफ मास भी यहां पर प्रेजेंट है फर्स्ट पार्टिकल अगर यहां पर है तो सेंटर ऑफ मास भैया इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है और दोनों का मास एम है इसका मास एम है तो दूसरा जो पार्ट है इसका डायग्राम है थोड़ा सा करेक्ट कर दू okay. तो दूसरा पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं यहां पे आगे गिरेगा ताकि इन दोनों का कंबाइंड सेंटर पे लाए करे okay? आर डिस्टेंस पर तो ऑब्बियसली जब सेंटर ऑफ मास को भी पॉइंट सेकंड का टाइम लग रहा है यहां तक आने में और फर्स्ट पार्ट जो वो भी 0.5 पॉइंट सेकंड में यहां तक आया तो इसका मतलब सेकंड पार्ट भी सेम टाइम में यहीं पर पहुंचेगा होना पड़ेगा इसको मैं ये कहूं कि सेंट्रोमास यहां पर और और जो सेकंड पार्ट है यहां पर है तो फिर तो इनकर हो गया क्योंकि इन दोनों का सेंट्रोमास फिर यहां पे आ रहा है जो कि इनकरेक्ट हो गया सेंट्रोमास अगर 0.5 सेकंड में यहां पहुंच रहा है और ये भी 0.5 सेकंड में यहां पे पहुंच रहा है तो सेकंड पार्ट भी यहाँ पे ही पहुंचेगा जीरो सेकंड बाद में इसी पॉइंट पर पहुंचना पड़ेगा इसको समझ आई बात और ये डिस्टेंस सीमेट्रिकली देखें तो आर बाई के इक्वल है तो ये वाले डिस्टेंस भी आर बाई के इक्वल होगी ठीक है तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या पूछा था एक्सेशन ड्यू टू तो, ठीक है द वैल्यू ऑफ टीज ये पूछ रहा है कि जो दूसरा पार्ट है उसको यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा सेम ऑब्वियसली सेम टाइम लगेगा ये 0.5 सेकंड ये भी 0.5 सेकंड में यहीं पे पहुंच रहा तो ये वाला भी 0.5 सेकंड में यहीं पहुंचेगा ठीक है तो सेकंड पार्ट को जो है वो टी टाइम लग रहा है आफ्टर स्प्लिटिंग ठीक है तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो पॉइंट फाइव सेकंड काफी सरल सा सिंपल सा क्वेश्चन था ठीक है तो नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं इसी में ही इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखिए

रेंज अगर देखें अपन तो आर इज इक्वल टू यू स्क्टा बाई जी यू की वैल्यू हमें गिवन है root 2, करेंगे तो कितना आएगा 25 into 50, और साइन नाइनटी हो जाएगा साइन एंड और जी की वैल्यू इसने टेन है तो जीरो जीरो कटा तो यह वैल्यू आ गई फाइव तो आर की वैल्यू फाइव है तो ये वैल्यू यहां रख देंगे थ्री इंटू फाइव बाई टू फिफ्टीन बाई टू फिफ्टीन बाई टू मीन सेवन पॉइंट फाइव जीरो भी लगा सकते हैं तो .5, आ, 5, 0, आ, जो मीटर है वो इसका आंसर आ जाएगा तो X की, वैल्यू, बड़ी सिंपल तरीके से हमने कर की वैल्यू बड़ी सिंपल तरीके से कर मोशन और अच्छा कॉम्बिनेशन था इसके अंदर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले पैराग्राफ टू तो ये क्वेश्चन जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर कैपेसिटेंस इनका मिक्स्ड क्वेश्चन था अगेन क्वेश्चन इज इजी है ना क्वेश्चन काफी इजी है इन द सर्किट शोन बिलो द स्विच एस इज कनेक्टेड टू कनेक्टेडिशन पी फॉर ए लॉन्ग टाइम सो द द द चार्ज ऑन कैपेसिटर बिकम्स देन स्विच एस इज टू क्यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू टू माइक्रोकलाम तो इसमें क्यू वन और क्यू टू की वैल्यू हमें पता करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केस में क्या किया है स्विच एस को पी से कनेक्ट किया है तो so, अगर पी से कनेक्ट करेंगे तो अगर आप बोर्ड से देखो इस सर्किट को काफी सिंपल है ये ohm, ohm, ये है, ये ओम ओम वोल्ट है टू वोल्ट है तो इस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो करंट ऑब्वियसली टू वोल्ट हैवी है इसे, तो ये करंट को ऐसे फ्लो करवाएगा कुछ इस टाइप से यहां से ये करंट जाएगी तो इस करंट की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो काफी सिंपल है देखिए टू वोल्टन वोल्ट अपोजिट डायरेक्शन में है ये तो इफेक्टिव वोल्टेज कितना आया टू माइनस वन विच इज वन वोल्ट बाय रेजिस्टेंस की बात करें ये दो ही रेजिस्टर यहां पर कनेक्टेड है सीरीज में है टू प्लस वन थ्री वन बाई थ्री एमपियर इस सर्किट के अंदर फ्लो कर रही है और मुझे इस कैपेसिटर पे चार्ज फाइंड करना है तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए क्यू बराबर सी डेल्टा फॉर्मुला लगाऊंगा मैं डेल्टा मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना पड़ेगा अब पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस अगर मुझे पता करना हो सपोज सपोजी मुझे अगर कैलकुलेट करना हो तो मैं इस सर्किट में इस तरफ चला जाता हूं स्टडी करने के लिए तो देखो वीए माइनस करंट की अपोजिट जाऊंगा तो माइनस टू इंटू आई विच इज वन बाई थ्री I, जो है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है इसमें तो माइनस टू इंटू वन बाई थ्री फिर हाई से लो जाऊंगा तो प्लस का टू सो वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपके पास है तो चार्ज की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है चार्ज कितना आ जाएगा क्यू बराबर सी डेल्टा मतलब भी एंड इज वन माइक्रो फेरेड माइक्रो मतलब टेंट पाइनस सिक्स आंसर भी माइक्रो में ही देना है क्योंकि माइक्रो माइक्रोकुल जो इसकी यूनिट है यहां पर तो वन इंटू फोर बाई थ्री वोल्टेज कितना फोर बाई थ्री तो फोर बाई थ्री मीन पॉइंट थ्री थ्री आंसर देना था तो देखो फर्स्ट का आंसर आ गया काफी ईजी था सेकेंड पार्ट की बात करें अब यह कह रहा है कि स्विच को एस को आपने क्यू से कनेक्ट कर दिया तो अगर हम एस को, एस को एस क्यू से कनेक्ट कर देंगे तो ये वाली जो बैटरी है वन वोल्ट वाली बैटरी है ना ये सर्किट से आउट हो जाएगी तो फिर इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा देखिए कैपेसिटर तो चार्ज हो गया कैपेसिटर चार्ज होने के बाद कैपेसिटर जिस ब्रांच में कनेक्टेड होता है तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में उसमें कैपेसिटर में से इलेक्ट्रिक रेडिया उस ब्रांच में से करंट फ्लो नहीं होती है जिस ब्रांच में कैपेसिटर कनेक्टेड होता है तो इसमें तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन करंट यू जाएगी तो अगेन अगर मैं इस केस में अगर करंट की वैल्यू चेक करूं बड़ा आसान है देखिए ये टू एंड वन जो है वो सीरीज में आ गए सिंपल ये तो आउट होगी बैटरी तो टोटल तो वोल्टेज कितना है टू एंड टोटल रेजिस्टेंस इज टू प्लस वन इज थ्री तो करंट इज टू बाई थ्री अगेन आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वन ओम देखो वन ओम के अक्रॉस ही तो पोटेंशियल डिफरेंस है है ना कैपेसिटी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एक्जेटली वन डिफरेंस रजिस्टर बराबर होगा तो वन ओम के केक्वल टू इंटू आर आई इज अर टू बाई थ्री एंड आर इज वन ओम सो पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बाई थ्री वोल्ट अब अगर मैं Capacity के across, चार्ज मतलब कैपेसिटी में चार्ज की वैल्यू फाइंड करूं तो क्यों बराबर सी डेल्टा सी की वैल्यू अगेन वन माइक्रोफेरेट इंटू मई डेल्टा वीच इज टू बाई थ्री

paragraph 3 two point charges minus q and q by root 3 are placed in the xy plane at horizon 0, 0 and a point 2 0 respectively as shown in the figure the result this result in an equipotential circle of radius capital r and potential v equals to 0 in the xy plane with its center at b 0 all lengths are measured in meters pucha kya the value of r is in meter the value of b is in meter देखो दो चार्ज आपको दे रखा है एक तो ओरिजिन पे रखा हुआ है और दूसरा जो है वो टू कोमा जीरो पे रखा हुआ है तो टू कोमा जीरो मतलब ये वाली डिस्टेंस जो वो टू है और उस चार्ज की वैल्यू क्यू बाई रूट थ्री है और दोनों चार्ज का जो पोटेंशियल है वो जीरो में देखा जाए सर्कल पे लाई कर रहा है मतलब इस सर्कल के मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है तो आपको बताना है कि उस सर्कल का सेंटर कहां पर है ठीक है मतलब बी की वैल्यू पूछिए सेंटर जो है वो बी कोमा जीरो पर है और उसकी रेडियस कितनी है तो अगर ये सर्कल है तो सर्कल का अगर सेंटर बी कॉमा जीरो पर है ठीक है तो अगर मैं इसका रिजल्ट दिखूं या इक्वेशन बनाए सबसे पहले अपन सर्कल की तो सर्कल का सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट जो बी है तो एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर कोऑर्डिनेट उसका जीरो है तो वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल तो एक्स माइनस बी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर इसको अगर हम सिंपलीफाई करें तो एक्स स्क्र प्लस वाई माइनस टू बी एक्स और यहां आ जाएगा बी स्क्वेर और इस तरफ आर स्क्र को इधर ले आए तो बी स्क्र माइनस आर स्क्वेयर इक्वल टू जीरोन इस सर्कल की और इसमें ये पता करना है हमें कि बी की वैल्यू कितनी और आर की वैल्यू कितनी है ठीक है चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम ओके तो यहां पर ये सर्कल का डायग्राम बनाया हुआ है ऑलरेडी तो हम इस सर्कल पर कोई आर्बिटरी कोई मैंने पॉइंट कंसीडर किया ठीक है इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स को माई है राइट right? और ये कंप्लीट जो डिस्टेंस है वो टू सेंटीमीटर के इक्वल है राइट दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज टू सेंटीमीटर मतलब माइनस क्यू से क्यू बाई रूट थ्री के बीच में तो इस पॉइंट एक्स वाई की बात करें यहां से अगर प्रपेंडिकुलर ड्रॉप कर दू ठीक है तो इस प्रपेंडिकुलर की जो मतलब लेंथ है वो वाई के इक्वल होगी तो माइनस क्यू से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की Q से जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी देखिए ये तो y के इक्वल होगा होगा और ये X के हो ये के इक्वल लेंथ दिस दिस ही रहेगा तो पोटेंशियल तो सिंपल स्केलर क्वांटिटी होती है तो माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना माइनस क्यू का पोटेंशियल आएगा माइनस के क्यू बाय डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज अंडरवुड एक्स स्क्स स्क्शियल फाइंड आउट करूं तो क्यू बाई रूट थ्री का पोटेंशियल होगा के क्यू बाय थ्री बाय दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम दिस ट्रैंगल दिस इज हाइपोटेस बेटा और हाइपोनस की वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करें तो अंडरवुड में टू माइनस एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वायर तो ये वाली डिस्टेंस टू माइनस एक्स है जो कि इसका बेस है और परपेंडिकुलर इज तो वाई तो स्क्वायर आ गया अब इसको सोल्व करना और बराबर जीरो, कर देना टोटल जीरो है। तो यहां से क्यू हट जाएगा और इस, तो तो इस तरफ आएगा हमारे पास वन अपॉन एक्स स्क्स वाई स्क्वायर अंडरूट हट चुका है एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अपन थ्री एक्स स्क्स वाई स्क्र इज इक्वल टू इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें एंड स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या आएगी वैल्यू फोर प्लस एक्स स्क्स फोर एक्स एंड प्लस वाई स्क्वेयर ये इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है एंड देन uh, आगे अगर अपन काम करें तो इस वाले पार्ट को आप इधर ले आइए तो थ्री एक्स स्क् माइनस एक्स स्क् मतलब टू एक्स है ये हो गया थ्री वाई स्क्र माइनस वाई मतलब टू वाई देन फोर एक्स है फोर एक्स को आप इधर ले आए तो ये आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का फोर एक्स okay? प्लस का फोर एक्स देन यहां पर माइनस ये है तो ये माइनस का फोर आ जाएगा बराबर जीरो तो हमारे पास यहां पर इक्वेशन बन चुकी है ठीक है तो कुछ भी नहीं है बहुत ही बेसिक सा था तो ये टू है ये x है ये टू माइनस एक्स और ये डिस्टेंस y देन दिस रूट में टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आ, वाई स्क्वायर और डिस्टेंस जो है अंडर रूट में प्लस वाई और बराबर हमें इसको जीरो करना था अच्छा इसमें यहां पर एक मिस्टेक कर दी रूट थ्री ये डिवाइड में था तो, ये थ्री में आएगा, ओके। तो रूट थ्री डिवाइड में आएगा राइट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं फोर प्लस एक्स स्क् माइनस फोर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ओके okay, गया से अगेन मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्स वाई स्क्वल टू ट्वेल्व प्लस माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस चलो इस, इस वाले पार्ट को माइनस वाई स्क्र है ना तो ये वाई स्क्र थ्री वाई स्क्ट वाई स्क्र बचेगा उसके बाद माइनस uh, का ट्वेल्व एक्स है और प्लस का ट्वेल्व है और बराबर जीरो आ गया तो ये अपने पास इक्वेशन बन चुकी है यहां पर और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई लें, टू से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनी एक्सक्वेर प्लस वाई स्क्र माइनस सिक्स एक्स प्लस इज इक्वल टू जीरो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है और सर्कल की जो इक्वेशन मैंने पहले लिखी थी यहां पर एक्स स्वयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू बी प्लस माइनस आर स्क्र टू जीरो अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि ये टू बी एक्स जो है वो सिक्स एक्स के बराबर होगा तो टू बी एक्स अगर सिक्स एक्स की इक्वल है देन तो बी की वैल्यू कितनी आ गई टू बीव टू सिक्स बी इक्वस टू थ्री तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है देखिए तो बी बराबर थ्री आ चुका है और बी की वैल्यू अगर आपके पास थ्री है तो बी स्क्स केक्वस टू सिक्स तो, तो आर स्क्र तो की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई थ्री आ गई सो आर स्क्र इक्व टू थ्री आर इज इक्वल टू रूट थ्री तो आर की वैल्यू रूट थ्री की इक्वल है रूट थ्री बोले तो वन पॉइंट सेवन थ्री तो आर की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है और बी की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है मतलब इसमें क्या क्या पूछा था उसको अपन देख लेते हैं ओके तो बी की वैल्यू थ्री आर की वैल्यू रूट थ्री तो बी की वैल्यू थ्री आएगी ठीक है तो ये एकदम सही है और आर की वैल्यू रूट थ्री मतलब वन पॉइंट सेवन थ्री ओके तो ये सेक्शन वन और सेक्शन टू के आ, कुछ क्वेश्चन थे और इनमें देखा जाए तो डिफिकल्टी लेवल आ, काफी कम था बहुत इजी कैटेगरी के, के ये क्वेश्चन थे ओके चलिए हेलो बच्चों मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता टीम फिजिक्स सी एल सी सीकर तो जेई एडवांस 2021 के फिजिक्स के पेपर की हम यहां पर डिस्कशन की बात करने वाले हैं सेक्शन थ्री से हम शुरुआत कर रहे हैं ये है मोर देन वन चॉइस वाला पार्ट जिसमें आपको फुल मार्किंग भी है पार्शियल मार्किंग भी है और नेगेटिव मार्किंग भी है अगर आप गलत भरते हैं तो।, तो उन्होंने पूरा यहाँ पर बताया हुआ किस तरह से मार्किंग स्कीम है और पेपर देने से पहले हमेशा जब भी आप किसी सेक्शन को अटेंड करें उसकी मार्किंग स्कीम हमेशा आपको

Then, given that the object rolls down without slipping, which of the following statement are correct ab अब इसमें कौन से statement correct hai aapko आपको बताना है देखो सबसे पहले तो हम यहाँ बात करेंगे इसमें object पे आपने कुछ force लगाया हुआ है तो जो force आपने लगाया हुआ है वो f, वो इस ऑब्जेक्ट को रोल करवाने का काम करेगा और रोल भी कौन सा विदाउट स्लिपिंग रोल विदाउट स्लिपिंग की जब बात की जाती है तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि ए इक्वल्स टू यहाँ पर जो एक वस्तु एल्फार की कंडीशन बनेगी ये रोल विदाउट स्लिपिंग का मतलब होता है तो इसमें जो एक्सलरेशन आएगा और जो एंगुलर एक्सलरेशन आएगा वो इस तरह का यहां पे आ, रूल फॉलो करेगा ठीक है अब इसी हिसाब से अगर हम देखें तो हमें देखो इसमें पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी लग रहा होगा क्योंकि रोल करवाने का काम कौन करेगा फ्रिक्शन ही तो करेगा तो अब इस केस में हमारे पास क्या आएगी एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल्स टू एम इन टू ए और यहाँ पे टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शन तो ये तो अपने पास कौन सी इक्वेशन है एफ इक्वेशन फिर हम बनाएंगे टॉर्क इक्वेशन टॉर्क इक्वेशन क्या हो जाएगा एफ इन टू आर इज आई एल्फा अब यहां पे आई एल्फा अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सिलेंडर का होता है होलो के लिए सॉलिड के लिए है। रोलिंग की क्या होती है? A R. ये तीन इक्वेशन बेसिकली हमारे पास है और इससे हमें एक्सेलरेशन और इन सबकी वैल्यू बतानी है ठीक है तो यहां पर सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करोगे एफ की वैल्यू डालोगे वहां पर तो इससे आपके पास एफ की वैल्यू क्या आएगी एफ इज आई एल्फा अपॉन आर ठीक है और इससे आप जब वैल्यू को रिप्लेस करोगे एल्फा को क्या रिप्लेस कर दोगे आप आई ए अपॉन आर स्क्वायर ठीक है तो इस तरह से आप F की वैल्यू जो है वो यहां पे फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे तो आपको ये मिल जाएगा आई ए अपॉन आर स्क्वास टू एम ए तो इससे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा आपके पास एफ अपॉन एफ अपॉन वन प्लस ये i क्या हो जाएगा m इन टू के स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा वन प्लस वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और साथ में ये तो ये हमारे पास a की वैल्यू आएगी अब एक्सेलरेशन के स्क्वायर कितना होता है अब यहां पर बात करूंगा तो होलो के लिए ये हो जाएगा होलो के लिए हो जाएगा मेरे पास केस इस इस में F डिवाइड बाई m वन प्लस वन यानी कि F बाई टू एम और अगर मैं सॉलिड के लिए बात करूं सॉलिड सिलेंडर के लिए तो उसके लिए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास m वन प्लस हाफ तो ये कितना हो जाएगा टू एफ बाई थ्री एम तो सॉलिड और होलो के लिए सिलेंडर इसका जो अपने पास आंसर बनेगा वो इस तरह से बनेगा अब इस केस में बोल रहे हैं फॉर द सेम एफ वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर सिलेंडर इज वैल्यू ऑफ ए देखो सेम एफ अगर आप लगाते हो तो सिलेंडर पे कितना एक्सल्रेशन आएगा वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इनर्शिया क्या है तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों का जो इनर्शिया है वो अलग अलग है तो एक्सलड्रेशन भी अलग अलग है मतलब ए ऑप्शन तो गलत हो गया फॉर अ सॉलिड सिलेंडर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज टू म्यूजी अब यहाँ पे जो एक्स फॉलो सिलेंडर का जो एक्सलेशन है वो इतना है हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो हम फोर्स लगाएंगे वो कभी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी म्यू एम जी आप इससे ज्यादा तो फोर्स लगा ही नहीं सकते ना इसमें तो जब आप फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इस लिमिट से अंदर होना चाहिए इसका मतलब जब आप यहाँ पे एफ की वैल्यू जब आप डाल रहे हैं तो उसमें आपको ये वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी तो ये कितना हो जाएगा एफ माइनस म्यू एम जी और इक्वल टू एम ए ए कितना हो जाएगा मेरे पास यहां पे ये यह हो जाएगा ए जैसे मालूम है होलो के लिए अभी इन्होंने कौन से के लिए बात की सॉलिड के लिए सॉलिड के लिए कितना आया था टू एफ बाई थ्री एम तो इस केस में आपका जो आंसर यहां बनेगा टू एफ बाई थ्री अगर आप इसमें हटाओगे तो ये आ जाएगा एफ बाई थ्री टू म्यू एम जी तो एफ कितना आ जाएगा इस केस में थ्री म्यू एम जी तो इस केस में मैक्सिमम जो आएगा फोर्स वो थ्री म्यूएमजी आएगा थ्री म्यूएमजी की वैल्यू जो आप यहां डालोगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा इस केस में थ्री म्यूएम जी एफ की वैल्यू डालोगे तो ये आ जाएगा अब यहां पर थ्री म्यूएमजी आप डालोगे इसी एक्सेलरेशन सॉलिड वाले में तो थ्री म्यूएमजी डालने पर आपका आंसर टू जी आ जाएगा तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया फिर इसके बाद, हमेशा, नहीं रहेगा फ्रिक्शन फोर्स तो बढ़ेगा जब इधर आपने मैक्सिमम फोर्स थ्री म्यूएम जी जितना लगाया होगा तो फ्रिक्शन म्यूएम जी लगेगा अदरवाइज म्यूएमजी से कम रहेगा और चौथा थिन वॉल सिलेंडर एक्सेलरेशन इज एफ बाई टू एम जो कि अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके तो यहां पर बी और डी ऑप्शन सही है ए और सी ऑप्शन गलत है और ये बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने सीएलसी की टेस्ट सीरीज में सीएलसी के डीसीए में जरूर करी होगी काफी सारे इसी पैटर्न के क्वेश्चन वहां पर दिए गए थे ओके बच्चों आगे बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन ट्वेल्थ क्वेश्चन पे

अगर एक के बाद एक पैरल स्लेब जमाई जाए तो अपन कैसे लिखते हैं इसमें जैसे अपन एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं एन वन साइन थीटा वन फिर एन टू साइन थीटा टू इस तरह से आप काफी सारे अगर पैरल स्लेब हो तो लास्ट में जो भी आपकी स्लेब है उसमें जो एंगल बन रहा है उसको आप लिख सकते हो ऐसे तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड का अगर हम रिलेशन बनाए यहां पे अगर हम इसी तरह से रिलेशन बनाए तो अपना रिलेशन क्या बनेगा एन वन साइन थीटा क्वल टू एन टू साइन थीटा टू और एयर का इंडेक्स क्या होता है वन और इसमें रिफ्रैक्शन एंगल मान लिया मैंने आर है ना मैंने मान लिया कि ये जो रे हवा में जाएगी ये इस तरह से देखो एन वन में इसका एंगल कितना था ये एंगल थीटा है फिर मैंने मान लिया कि यहां पे ये एंगल रहा होगा कुछ थीटा टू और फिर यहां हवा में रहा होगा कुछ एंगल आर ठीक है तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन लिखी एन वन साइन थीटा एन टू साइन थीटा टू और वन साइन आर अब इसमें हमें बात करना है, इसमें कि जो है वो स्लाइटली ग्रेटर है ना तो साइन थीटा ग्रेटर देन होना वन बाई एन वन थोड़ी देर के लिए सोचो अगर एन टू नहीं होता या एन टू भी जैसे ये वाला ऑप्शन है पहले इसको चेक करते हैं एन टू इक्वल टू वन अगर एन टू वन के बराबर है मतलब ये तो एयर हो गया फिर तो तो अगर एन टू वन के बराबर है तो इसका मतलब मीडियम कौन सा है एन वन से हवा एन वन से जब हवा में रे आ रही है तो उस केस में क्या होगा उस केस में देखो यहां पर ये जो आपको एंगल दिया हुआ है वो वन अपॉन एन वन से ज्यादा दिया हुआ है इसका मतलब उस केस में थीटा जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने पे क्या होगा उस केस में ये जो रे है वो वापस पलटेगी तो अगर एन टू वन हुआ तो साइन थीटा ग्रेटर देन एन वन होने का मतलब यह हुआ कि थीटा जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो रे का वापस क्या हो जाएगा टी आई आर होगा बिल्कुल क्योंकि रिफ्लेक्टेड बेक क्योंकि यहां पर टीआईआर होगा तो डी ऑप्शन अपना सही हो गया रे एंटर्स इफ एन टू इक्वल्स टू एन वन ठीक है अब अगर रे एन टू और एन वन एन टू और एन वन एक जैसे हुए मतलब एन और एन वन एक जैसे होने का मतलब क्या है कि यहां पर एन टू के बाद हवा है तो वापस यहां पे हवा में तो जाएगी नहीं क्योंकि ये गलत हो जाएगा यहां क्या हो जाएगा वापस टी आई आर होगा तो इस केस में वापस क्या होगा टी आई आर ठीक है क्योंकि एन टू एन वन बराबर है मतलब रे यहाँ से बिना डीवी टू निकली तो एज इट इज वो यहाँ पे आई फिर अभी भी साइन थीटा जो बनेगा वो तो वन अपॉन एन वन से बड़े ही बनेगा ना इसका मतलब वापस यहाँ से टी आई आर हो जाएगा तो एन टू एन वन इक्वल होने पे भी टी आई आर होगा रे हवा में नहीं जाएगी अब बात करते हैं रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बेक इन टू द मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन वन इफ एन टू लेस देन एन वन अगर यहां पर n2 टू लेस देन हुआ n1 से तो क्या होगा उसको एक बार चेक करते हैं अपन दोनों कंडीशन चेक करते हैं n2 टू ग्रेटर देन और n2 टू लेस देन ठीक है तो देखो n1 वन साइन थीटा एन टू साइन आर ठीक है अब इस केस में अगर n2 ज्यादा भी हो या कम भी हो तो भी देखो अपने पास जो फाइनल ये तो थीटा टू आ जाएगा उसके बाद वापस एन वन साइन आर अगर हम यहां देखें कि एन टू चाहे ज्यादा हो या कम हो फाइनली जब वो हवा में जाएगी तो वहां तो कंडीशन यही बनेगी ना वन साइन आर ठीक है अब अब यहां पे N1 जो है वो थीटा थीटा की वैल्यू में क्या रख सकता हूं N1. अब sin N1 से तो ज्यादा है ना इसका मतलब साइन आर की वैल्यू जो है वो इससे तो ज्यादा ही होगी साइन आर की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ साइन आर की वैल्यू एक से ज्यादा होना है ना अगर साइन आर की वैल्यू एक से ज्यादा है क्या ये पॉसिबल है क्या मतलब रिफ्रैक्शन में तो पॉसिबल नहीं है इसका मतलब इस रे का वापस यहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा चाहे एन टू की वैल्यू कुछ भी रखो कम रखो या ज्यादा रखो फर्क नहीं पड़ेगा हाँ रे जो है वो एन वन से एन टू में तो जाएगी रे जो है वो एन वन से एन टू में तो जा सकती है लेकिन एन टू से वापस हवा में तो नहीं जाएगी अब जब हवा में नहीं जाएगी तो वापस पलटेगी एन तो वन से एन टू गई एन टू से हवा में जाने के दौरान टी आई आर हुआ और वापस पलट के वो एन वन में आएगी मतलब चाहे ना हो लेकिन एन टू से एयर में जाते वक्त तो टी आई आर कन्फर्म होगा इसलिए वापस क्या हो जाएगा यहां पर क्योंकि जब आप वन रखोग तो ये वैल्यू ग्रेटर देन वन आ रही है इसलिए हवा में जाते वक्त तो टीआईआर होना ही है ठीक है इसमें कोई कंफ्यूजन क्योंकि हवा का इंडेक्स तो वन है तो इसलिए यहां पे टी आर होना हो वो कंफर्म नहीं कह सकते लेकिन यहां पे पक्का टी आर होगा ठीक है तो वापस वो पलट के जो है वो एन वन वाले मीडियम में तो आएगी इसका मतलब बी और सी दोनों सही है ये सिंपल लॉजिकल था इसमें कैलकुलेशन देखो कम ज्यादा नहीं है केवल आपको मैथमेटिकली सोचना इसमें ओके बच्चों फिर आते हम थर्टीन क्वेश्चन पे थर्टीन क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन पहले भी जेई मेंस में भी पूछे गए हैं यहाँ पे आपको एक पार्टिकल दिया हुआ है जो कि माइनस एल माइनस एच पे है और बिल्कुल आसान सा यहाँ पे कंसर्ट दिया हुआ है एक पार्टिकल को माइनस टेन को मां माइनस एच वन पे रख दिया यहां से पार्टिकल यू जीरो और कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन एक्वल टू टेन से चलना शुरू करता है कुछ टाइम बाद ये यहां पहुंच गया तो इसकी जो फाइनल पोजिशन वो क्या है टेन माइनस वन तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस टेन से प्लस टेन आना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ट्वेंटी यू जीरो हाफ टेन टी स्क्वायर इससे आपका टी तो आ गया चार सेकेंड चार का स्क्वायर यानी कि दो सेकेंड दो सेकंड बाद ऑब्जेक्ट जो है वो पार्टिकल इतना आसान क्वेश्चन है देखो अगर आपने ये एक ऑप्शन भी टिक कर दिया ना तो आपको देखो इसमें तीन ऑप्शन सही थे मान लो तो आपको एक ऑप्शन भी टिक करा कर तो कुछ तो नंबर मिलेगा इसका भी एक नंबर ही मिलेगा लेकिन मिलेगा है ना अब इसमें टॉर्क पूछा गया है वो भी किसके अबाउट पूछा गया है ओरिजिन के अबाउट ही पूछा इन्होंने है ना तो यहां पे इस पॉइंट के अबाउट जब हमें टॉर्क बताना है तो देखो इस पार्टिकल पे क्या करो आप यहां से एक्सिस से क्या करो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो तो ये तो आर परपेंडिकुलर अब पार्टिकल की वेलोसिटी इसी तरफ है इस पे फोर्स भी इसी तरफ लग रहा होगा क्योंकि एक्सलेशन इस तरफ है ना वेलोसिटी कितनी निकालोगे कि दो सेकंड बाद वेलोसिटी हो जाएगा यू प्लस ए टी यू कितना है इसमें जीरो ए कितना है टेन टी कितना है टू तो स्पीड कितनी आएगी ट्वेंटी फिर मोमेंटम क्या हो जाएगा एम वी पॉइंट टू ट्वेंटी कितना जाएगा ये और एल क्या होता है आर परपेंडिकुलर इंटू पी आर परपेंडिकुलर कितना बेटा वन ओरिजिन से माइनस वन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वन होती है तो वन इंटू फोर यानी कि फोर अब रही बात डायरेक्शन की तो देखो आर परपेंडिकुलर नीचे वेलोसिटी इधर तो आर परपेंडिकुलर वेलोसिटी किधर आएगा बाहर की तरफ इसका मतलब की केफ ये आ गया आपका एल वेक्टर इसी तरह से फोर्स क्या हो जाएगा एम इंटू ए पॉइंट टू इंटू टेन यानी कि टू तो टॉर्क क्या हो जाएगा वही आर परपेंडिकुलर इंटू पी और डायरेक्शन क्या आएगी आर परपेंडिकुलर इंटू एफ और डायरेक्शन आएगी इस केस में वन इंटू टू यानी कि टू के केफ ये आ गया तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके ए बी सी दोनों सही है, तीनों सही है डी गलत है ओके okay, बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन सीएलसी के प्रैक्टिस पेपर में ऐसे क्वेश्चन थे ओके डीसीएम सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चन थे ओके बेटा तो आपका थर्टीन क्वेश्चन कंप्लीट हुआ उसके बाद हम बात करते हैं फोर्टींथ क्वेश्चन की फोर्टीन क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मला अपन वेवलेंथ का क्या लिखते हैं R z स्क्वायर और हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू तो वन हो जाएगी वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर सबसे पहले इन्होंने बात करा इधर रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेन टू शॉर्टेस्ट वेवलेन तो बामर सीरीज बामर सीरीज का मतलब क्या होता है हाई लेवल से एन वन जो है वो तो टू होगा तो बामर सीरीज के लिए क्या हो जाएगा वन अपॉन लेमडा मैक्स मैक्सिमम वेवलेंथ कब होता है जब सबसे छोटा ट्रांजिशन हो यानी कि टू स्क्वायर माइनस ऑफ थ्री स्क्वायर कितना हो जाएगा फाइव बाई नाइन इंटू फोर नाइन माइनस फोर फाइव बाईन थर्टी सिक्स और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेमडा मिनिमम कब होगी जब एनर्जी मैक्सिमम हो यानी कि इनफाइनाइट से ट्रांजिशन होना चाहिए अब लेमडा मैक्सिमम और लेमडा मिनिमम का रेशियो आपसे पूछा गया है तो लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा मिनिमम कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अपने पास वन बाई फोर फाइव बाई थर्टी सिक्स तो ये हो जाएगा नाइन बाई फाइव तो मेरा पहला ऑप्शन जो है वो यहां पर सही है फिर ये बोल रहे देर इज एन ओवरलेप बिटवीन द वेवलेंस रेंज ऑफ बामर एंड पास्टन सीरीज बिल्कुल ओवरलैपिंग नहीं होगी क्यों क्योंकि यहां पर ध्यान रखना ओवरलैपिंग तो किसी को भी में नहीं होती क्यों क्योंकि सब में एन वन तो अलग अलग आ रहा है ना एन वन तो सबका अलग अलग आ रहा है तो जब एनर्जी ही सेम नहीं है जब एनर्जी ही सेम नहीं है तो फिर यहां पर ओवरलैपिंग का सवाल ही नहीं है और जो लाइव बामर की मिनिमम पॉसिबल एनर्जी होती है उससे कम ही एनर्जी इससे हायर ऑर्डर में होती है ठीक है तो का तो वेवलेंथ ओवरलैप का किसी भी केस में सवाल ही नहीं है तो इसीलिए अपना फिर डी ऑप्शन सही हो गया जब अपन बी को गलत बोल रहे तो डी तो सही हो ही जाएगा ना फिर उसके बाद सी ऑप्शन वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज आर गिवन बाय दिस वेर लेमडन इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज एम इज इंटीजर देखो लाइमन सीरीज के लिए अगर बात करते हैं एक बार मैं इसको मिटाता हूं लाइमन सीरीज के लिए क्या हो जाएगा लाइमन सीरीज के लिए लाइमन सीरीज के लिए एन वन कितना होता है वन होता है तो यहां आप वन का स्क्वायर करेंगे तो अब इसने बोला शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट वे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वेवलेंथ इज द होता है ट्रांजिशन बहुत बड़ा हो तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के केस में आपका ये आ जाएगा वेवलियं अपॉन ट्रांजिशन बहुत बड़ा हो तब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आते हैं तो लेमडा मिनिमम जो आएगा वो क्या आएगा आर जेड स्क्वायर वरपोन दिस तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी इस केस में कितनी आ जाएगी आर जेड स्क्वायर ये इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है इसी आ, तो अपने पास जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी वो कितनी आएगी इस केस में लेमडा मिनिमम इज वन अपॉन आर जेड स्क्वायर ये इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है अब ये बोल रहे हैं कि बाकी जो वेवलेंथ है वो इसी के इंटीजर मल्टीपल में ही आएगा तो मैं मान लेता हूं ये किसी एंथ ऑर्बिट से आ रहा होगा तो एन थॉरबिट अगर ये आएगा तो क्या आएगा वन अपॉन लेमडा इज आर जेड स्क्वायर ओके वन अपॉन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर तो इसको मैं लिख सकता हूं वन अपॉन लेमडा नॉट वन अपॉन लेमडा एन स्क्वायर माइनस वन दिस तो लेमडा बराबर लेमडा नॉट एन स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस वन क्या ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको नहीं दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है इसका मतलब ये गलत हो गया यहां भी एक एन एक इंटीजर ही तो है ऑर्बिट नंबर तो ऐसा तो नहीं दिया हुआ है ना इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया गलत तो फाइनली आपका दो ऑप्शन सही है ए और डी ओके okay बच्चों फिर इसका आता नेक्स्ट फिफ्टींथ क्वेश्चन फिफ्टींथ क्वेश्चन बोला है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज करंट आई टू एम्पियर ए सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड इज प्लेस्ड द इट ऑन टू पैरल रेल्स तो देखो यहाँ पे दो रेल्स है ना कंडक्टिंग इसके ऊपर यहाँ पे एक रॉड है इसमें आपको बोला है कि सर्किट यहाँ पे बनाया हुआ है आर सी तो सिंपल सी बात क्या अपन ने इसको वेलोसिटी दे दी इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जब कोई कंडक्टर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में उसमें क्या होता है ईएमएफ डेवलप होता है तो इसमें मैं एक छोटा सा एलिमेंट देखो तो इसकी एल इफेक्टिव तो क्या है एल इफेक्टिव तो ये बनेगी ना इसमें अब इसका एक छोटा सा एलिमेंट अगर मैं करता हूं तो छोटा सा एलिमेंट मैंने यहां पे ले लिया dx लेंथ का ठीक है और इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली x तो इसमें कितना ई एम एफ आएगा डी ई क्या हो जाएगा b l v b का मतलब क्या है मिनोट i अपॉन टू पाई एक्स।, एक्स वी ये क्या आएगा डी इस तरह से मुझे टोटल अगर निकालना है ई एम एफ तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना होगा और लिमिट क्या लग जाएगी चार सेंटीमीटर से लेके एक सेंटीमीटर तक सॉरी एक से चार तो ये आएगा मेरे पास म्यूनोट आई वी अपॉन टू पाई एल एन फोर फोर यहां पे और एल एन वन की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी तो फाइनली ये मेरे पास आएगा ई एम एफ म्यूनोट आई पाई आई वी टू पाई ट्वाइस ऑफ एल एन टू तो ये टू से टू खत्म अब यहां वैल्यू पुट करोगे आप मीनोट की वैल्यू फोर पाई इन टू टेन टू दावर माइनस सेवन आई की वैल्यू कितना दिया हुआ आपको करंट दिया हुआ इसमें टू एमपियर वेलोसिटी कितना दिया हुआ है वेलोसिटी आपको गिवन है इस केस में वेलोसिटी की वैल्यू थ्री मीटर पर सेकेंड पाई की जगह पाई रख दो और एल एन टू की वैल्यू कितना है पॉइंट सेवन तो इस सब को जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको यहां पे जो आंसर मिलेगा सॉल्व करने के बाद वो आपको मिलेगा ई एम एफ कितना आ जाएगा वन पॉइंट सिक्स एट इन टू टेन टू दावर माइनस सिक्स वोल्ट अब ये तो आ गया वोल्टेज तो एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज हो गया अब इस सर्किट का आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे तो सर्किट का रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो इसमें इस तरह से एक जो सेल है एक यहां पर एक सेल लगा दो उसमें एक रजिस्टेंस अच्छा इसमें पॉलिरिटी क्या होगी ऊपर जा रहा है मोशन ऐसे है फील्ड जो है वो ऐसे है तो पॉलरिटी इधर आएगी पॉजिटिव एंड इधर आ गया अब यहां पे एक कैपेसिटर है अब ऐसे मान लो कि जब अपन ने इसको चलाना शुरू किया तब जाके सेल बन गया अब एक सिंपल क्या आरसी सर्किट है तो आरसी सर्किट में करंट जो है क्यू मैक्सिमम कितना होता है c इंटू वी कब होता है t इक्वस टू इनफाइनाइट पे और i मैक्सिमम कितना होता है i मैक्सिमम होता है e वाई आर ये कब होता है t इक्वस टू जीरो पे ठीक है अब सीवी की वैल्यू आप डालोगे इसमें तो एक बार देखते हैं अपन क्या दिया हुआ अपन को अब इसमें देखो आपको सीवी कितना दिया हुआ है आपको सी दिया हुआ है कैपेसिटेंस दिया हुआ है फाइव माइक्रोफेरे और रेजिस्टेंस दिया है वन पॉइंट फोर तो एक तो आप वन पॉइंट फोर को डिवाइड करोगे इसमें तो आई के लिए तो आप क्या करोगे ई बाई आर तो इसमें आई के लिए आप क्या करोगे E by R 1.68 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 1.4 तो 1.4 से 1.68 डिवाइड करोगे एक्जेक्टली टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया अपना और Q मैक्स के लिए क्या करोगे सी E सी कितना है इसको से मल्टीप्लाई करोगे तो सोलह ये सी ऑप्शन आ जाएगा तो बिल्कुल यहाँ कैलकुलेशन बेस्ड बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बस ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन करके निकालना है ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन तो में आपके पूछे गए है ना ओके बच्चों उसके बाद हम बात करते हैं सेवेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन में बोला है कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है इसमें अपन ने बेस जो है उसको अपन ने ऐसा रखा हुआ है वेज पे ये फिसल रही है ए एक्सलेशन से तो इसमें क्या फाइनली देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत टिल तो हो गए से उससे कोई अपन को दिक्कत नहीं है अब यहां पे देखना है कि वन और टू का प्रेशर डिफरेंस जो है उसका डिफरेंस जो है, है उन्होंने बीटा बोला हुआ है तो बीटा क्या आएगा वो आपको चेक करना है तो देखो इस केस में सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो वन पार्टिकल है और जो टू पॉइंट है इस पे जो ग्रेविटी की वजह से इफेक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है देखो अगर सिंपल ग्रेविटी होता तो ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे जाने पे क्या होता है फोर्स अपना प्रेशर बढ़ता है तो अगर सिंपल ग्रेविटी होता तो उसकी वजह से कौन से पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होता है वन पे कितना ज्यादा होता जितना यह डिफरेंस है तो ये डिफरेंस कितना दिया हुआ है डी तो इसकी वजह से तो वन पे ज्यादा प्रेशर होता लेकिन सीडो फोर्स जो है अब यहां पे एक्सेलरेशन है तो इस एक्सेलरेशन का अपोजिट किधर आएगा इफेक्ट सीडो फोर्स का वो आएगा अब एक्सेलरेशन ऐसे दिया हुआ है ना तो इसका सीडो फोर्स तो इधर आएगा सीडो फोर्स इधर आएगा तो सीडो फोर्स की दो कंपोनेंट करो फिर एक तो कंपोनेंट आएगा इधर है ना तो एक कंपोनेंट तो आएगा इधर एम ए कॉस फोर्टी और इधर आएगा एक एम ए साइन फोर्टी अब ये एम ए साइन फोर्टी किसके इफेक्ट को कम कर रहा है ये इफेक्ट कम करना चाह रहा है एम के इफेक्ट को इसका मतलब वन पे प्रेशर आने का कारण कौन था एक्स्ट्रा प्रेशर आने का कारण कौन था एम लेकिन एम ए साइन फोर्टी के से प्रेशर कम हो गया तो वन पे अभी भी ज्यादा तो रहेगा टू से लेकिन कितना ज्यादा रहेगा हमारे वन पे जो प्रेशर ज्यादा आया टू आ, पी वन जो ज्यादा आएगा पी टू कितना ज्यादा आएगा अपन इसको देख लेते हैं रो जी इफेक्टिव लिखना पड़ेगा ना रो जी ए माइनस साइन फोर्टी फाइव डी इतना प्रेशर वन पे ज्यादा आया टू के मुकाबले ठीक है लेकिन साथ में ये जो सीडो फोर्स है वो किधर की तरफ प्रेशर बढ़ा रहा है वो तो टू की तरफ प्रेशर बढ़ा रहा है तो इसकी वजह से टू की तरफ जो है वो प्रेशर बढ़ेगा मतलब तो वन से तो कम हो गया ना तो कितना माइनस करूं फिर मैं रो जी ए कॉस फोर्टी फाइव और डी सॉरी जी नहीं आएगा इसमें ए कॉस फोर्टी फाइव तो इससे मेरे पास ही आंसर आ गया हमें क्या पूछा है पी टू माइनस माइनस पी टू पूछा है तो पी वन माइनस पी टू अपॉन रो जी डी रो जी डी कॉमन ले लिया मैंने तो यहां क्या बचेगा मेरे पास ये बचेगा जी कॉमन आया तो वन माइनस ए बाई रूट टू जी और यहां तो आपके पास ए नहीं था जी नहीं था ना तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें वन माइनस ए बाई रूट टू जी ये तो आ गया अपने पास ए कॉमन मैंने जी कॉमन लिया ना तो जी बाहर निकालो तो वन माइनस ए बाई रूट टू जी ठीक है प्लस इसमें से क्या आएगा मेरे पास वन अपॉन रूट टू जी और ए इधर रख दिया ओके तो इस केस में ए नहीं था तो मैंने ए को वापस में क्या करा मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो रो ए कॉस फोर्टी फाइव आ गया अपने पास तो इसमें से मैंने यहां से डी रोजी डी कॉमन लिया तो स्टम में क्या बचेगा इसमें बचेगा माइनस ए हे जी मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा और 45 का रूट टू तो इससे मेरे पास पी वन माइनस पी टू अपॉन रो जी डी की वैल्यू आएगी वन माइनस ट्वाइस ऑफ ए अपॉन रूट टू जी ओके तो ये आएगा वन माइनस रूट टू जी ए अब इसमें आपको ए की अलग अलग वैल्यू पुट करनी है देखो ए की वैल्यू अगर आप जी बाई रूट टू पुट कर दो तो तो ये तो कट के पूरा क्या जाएगा? 0 आ जाएगा जीरो आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही है ए की वैल्यू अगर आप जी बाई रूट टू पुट कर दो तो ये जीरो से ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि जीरो ही आ रहा है फिर ए की वैल्यू अगर आप G तो, वैलियो जी बाई टू तो पुट कर दो ए की वैल्यू जी बाई टू पुट करोगे तो कितना आएगा वन माइनस वन अपॉन रूट टू तो ये रूट टू माइन ये भी आ जाएगा जी बाई टू बुट करने पे फिर ये गलत हो गया तो बस आपको दो ही वैल्यू चेक करनी है जी बाई टू पर जी बाय टू में बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये सिंपल प्रेशर की जो अपन एक लाइन की इक्वेशन लिखते हैं ना अपन ने कई सारे क्वेश्चन में लिखी है उसी इक्वेशन पर अपना काम चला रहा चलाडो फोर्स के क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाए थे इवन रोटेशन वाले भी थे है ना सिंपल कंटेनर मूव कर रहा है वो वाले भी थे है ना ये टिल्ट कितना आता है ये भी हमने देखा हुआ था तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नोट्स का जैसा ही क्वेश्चन है ओके बच्चों अब हम आते हैं हमारे अगले सेक्शन पे एक बार आप सॉल्यूशन नोट कर लें अगले सेक्शन में आपको तीन क्वेश्चन है जो कि इंटीजर टाइप के हैं ठीक है नॉन नेगेटिव इंटीजर फुल मार्किंग आपने सही टिक किया और ये तीनों क्वेश्चन थे, यहां नहीं थे question, तो ये के कौन कौन से थे पहला क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल जो है सिंगली चार्ज सफर ये बिल्कुल नोट्स में करवाया हुआ क्वेश्चन जैसा है, है इसमें एक पार्टिकल को अगर आप डेल्टा भी वोल्टेज से चार्ज करते हो उसको काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलती है रूट टू Uh, q डेल्टा v फिर जब ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो इसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है एम वी मोमेंटम अपॉन qv एम वी अपॉन qv होता है बेसिकली तो एम वी अपॉन qv एम वी क्या होता है मोमेंटम जिसको अपन लिख सकते हैं रूट टू के एम अब रूट टू के एम में रूट टू क्यू डेल्टा वी एम एम कितना हो जाएगा यहां पे ये रहा क्यू और बी अब इस केस में इन्होंने केवल आपसे रेडियस का रेशियो पूछा इतना आसान क्वेश्चन सोचो जे मेंस लेवल का क्वेश्चन जो एडवांस में पूछा गया है।, है ना तो क्यू क्यू कितना है अपने पास यहां पर क्यू है ये हो जाएगा अपने पास अब इसमें देखो एक क्यू अंदर आ जाएगा ना तो टू डेल्टा वी एम डिवाइड बाई क्यू को रूट के अंदर ले लो और इधर बी स्क्वायर कर दो अब वेरिएबल कौन तो है एम और क्यू तो वेरिएबल है यहां पे तो आर एस अपॉन आर एल्फा क्या हो जाएगा ये एम एस अपॉन एम एल्फा क्यू एस अपॉन क्यू एल्फा एम एस कितना है थर्टी टू एम एल्फा कितना है फोर और क्यू एल्फा कितना है टू और ये कितना है वन क्योंकि सिंगल चार्ज है ना इसलिए सिंगल चार्जेस से इसका चार्ज कितना है प्लस ई और इसका होता है टू ई ठीक है तो यहां पे वैल्यू सॉल्व करने पे कितना आएगा 64 डिवाइडेड 16, 16 का स्क्वायर रूट चार ये मेंस लेवल का क्वेश्चन एडवांस में पूछा गया है ओके बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है है ना इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी टाइप का एक क्वेश्चन जे एडवांस में पहले पूछा गया था वहां पे डिस्क कैसे रोटेटिंग थी तो यहां पे भी आपको सिंपल उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है है ना ये एक रॉड आपको दी गई है ये एक रॉड है जिसमें थ्री बाई फोर डिस्टेंस पे आपने एक डिस्क को अटैच कर दिया डिस्क भी घूम रही है और रॉड भी घूम रही है आपको पूरे सिस्टम का क्या बताना है एंगुलर मोमेंटम बताना है अबाउट ओ ठीक है तो एंगुलर मोमेंटम पहले अपन डिस्क का निकाल लेते हैं डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं सबसे पहले निकालते हैं डिस्क का खुद की एक्सिस के अबाउट है ना डिस्क अबाउट सी एम और फिर बाद में निकालते हैं एल सी एम अबाउट किसके ओके तो ये होता है तरीका अब डिस्क का अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनर्शिया क्या हो जाएगा आई सी एम सेंटर ऑफ मास के रिलेटेड इनर्शिया इंटू ओमेगा जो है इसका वो फिर अब सेंटर ऑफ मास कौन सी स्पीड से घूम रहा है वो तो ओमेगा की स्पीड से घूम रहा है तो यह आ जाएगा एम मास का एक पार्टिकल की तरह यहां ट्रीट करो फिर इसको तो एम इन आर सी एम का स्क्वायर इंटू ओमेगा अबाउट ओ और ये ओमेगा किसके अबाउट है ये अबाउट एक्सिस uh, या डिस्क के अबाउट ये तो यहां पे तो क्या हो जाएगा एम ए बाई फोर स्क्वायर हाफ एम आर स्क्वायर होता ना डिस्क का इसकी रेडियस कितना है ए बाई फोर इन टू ओमेगा ये कितना है फोर ये प्लस ये कितना है एम आर कितना है थ्री ए बाई फोर का स्क्वायर और ये कितना है इतना एक ओम के बराबर तो ये आ जाएगा मेरे पास एम ए स्क्वायर दिस ये आएगा चार चौक सोलह दो तो बत्तीस और चार तो ये आ जाएगा वन अपॉइंट सिक्सटीन प्लस ये आ जाएगा नाइन बाई सिक्सटीन ठीक है यहां पर आएगा चार चार से बत्तीस तो ये कितनी बार सोलह आठ ही बचेगा इधर तो तो वापस जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा इलेवन एल सी सोलह आएगा तो इलेवन बाई सिक्सटीन एम ए स्क्वायर दिस तो केवल किसका आया डिस्क का अब रॉड का भी तो निकालना पड़ेगा तो रॉड का कितना आ जाएगा आई ओमेगा ओमेगा किसके अबाउट ओ के अबाउट ओ पॉइंट तो आई रॉड रॉड का क्या होता है? 3 होता है है और ये ओमेगा जो है सिंपल ओमेगा इस तरह से दिया हुआ है तो अब इस केस में नेट आपको निकालना नेट क्या हो जाएगा इलेवन बाई सिक्सटीन प्लस वन बाई थ्री एम ए स्क्वायर दिस इलेवन बाय सिक्सटीन से कितना हो जाएगा फोर्टी एट थर्टी थ्री और सोलह तो ये हो जाएगा फोर्टी नाइन बाय फोर्टी एट तो फोर्टी नाइन बाई फोर्टी एट अब फोर्टी एट तो यहां दिया तो एन की वैल्यू इसका मतलब क्या है फोर्टी नाइन काफी आसान क्वेश्चन है तो ये अपना थर्टीन क्वेश्चन एटीन क्वेश्चन हो गया इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट नाइनटीन क्वेश्चन की क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, ज्यादा टफ नहीं। इसमें सिंपल सा क्या है वो टू हंड्रेड डिग्री जो कि बाद में सो हुआ टी वन टाइम में और टी टू टाइम में हुआ तो देखो दो सो से सो होने में कितना टाइम लगा टी वन ये टी इक्वस टू जीरोक्वस टू टी वन और फिर वापस 50 होने में कितना टाइम लगा टी इक्वल टू टी टू मतलब 100 से 50 का नहीं है ये t2 टाइम दो 200 से 50 का अब अपने पास इक्वेशन क्या होती है रेडिएशन पावर जो होता है वो पावर क्या होता है सिग्मा एफ क्या लिखूंगा एम एस डी टी बाई डी स्मॉल टी सिग्मा एफ साइल एंड टी फोर बाकी सब तो कॉन्स्टेंट अच्छा रेट थोड़ी सी नेगेटिव होती है टेम्परेचर टाइम के साथ कम होता है इसलिए तो यहां पे डी टी अपॉन टी फोर बाकी सब तो कांस्टेंट है है ना तो कांस्टेंट है तो यहां पर ये यह 200 से चलो इसको तो अपन बाद में रखेंगे ये हो जाएगा अपने पास सिग्मा ए एफ साइल एन एम एस टी अब यहां लिमिट अब यहां अब लिमिट लगेगी टी नॉट से लेकर के टी तक और ये लगेगा जीरो से टी तक तो सबसे पहले तो आएगा इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा टी की पावर माइनस फोर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में थ्री माइनस फोर प्लस वन अपॉन माइनस फोर प्लस वन ये आएगा ना और अपॉन टी क्यूब ये आएगा और ये टी नॉट से लेकर के टी तक टी अब इसमें सिंपल दो इक्वेशन बना देखो अब यहां पे केवल दो इक्वेशंस बनानी है को तो T1 के लिए इक्वेशन क्या बनेगी बाकी सब कांस्टेंट वन अपॉइंट टू हंड्रेड क्यूब माइनस वन अपॉइट हंड्रेड क्यूब उल्टा कर दो एक्चुअली क्योंकि यहां पे हंड्रेड छोटी है भाई टाइम तो नेगेटिव आ नहीं सकता ना तो और टी टू क्या आ जाएगा अपने पास टी टू आएगा फिफ्टी का क्यूब माइनस वन अपॉइंट टू हंड्रेड क्यूब ठीक है अब इसको यहां पे जब आप सॉल्व करोगे तो देखो इसको आप टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ऊपर नीचे तो ये आएगा अपने पास ये टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो टू हंड्रेड बन जाएगा ना तो ये आएगा मेरे पास टी वन थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देता हूं हूँ हंड्रेड क्यूब कॉमन लिया तो यहां आ जाएगा मेरे पास एट माइनस वन और यहां से मैंने वन अपॉइंट टू हंड्रेड क्यूब कॉमन लिया तो ये आ जाएगा सिक्सटी फोर माइनस वन तो फाइनली टी वन टी टू टी टू ओबे बात है ज्यादा टाइम है ना तो T2 T1 का जब आप रेशियो लोगे तो क्या आ जाएगा सिक्सटी थ्री बाई सेवन ये आपका यहां पे आंसर बनेगा काफी ईजी क्वेश्चन के क्वेश्चन इजी थे बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं थे पूरे पूरे में से मार्क्स इसमें लाए जा सकते थे ओके बच्चों उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सीएलसी की जो टेस्ट सीरीज थी उसको बहुत अच्छे से दिया होगा वहां पे इस तरह की वैरायटी बहुत सारे क्वेश्चंस में थी तो उम्मीद करता हूं आपका पेपर यहां तक अच्छा हुआ होगा और अपनी इसी प्रिपरेशन को आप आगे Uh, अपने कॉलेज में भी जारी रखें उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छी रैंक से सेलेक्ट होंगे ओके बच्चों थैंक यू ऑल द बेस्ट हेलो एवरीवन माय सेल्फ कमलेश चौधरी टीम फिजिक्स सीएलसीसी सीकर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2021 पेपर टू तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 में इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ वेट w ऑफ लेंथ l एज हिंज्ड ऑन अ वर्टिकल वॉल एट पॉइंट ओ मतलब ओ पॉइंट पर एक एंड इसका फिक्स है और जो दूसरा वाला एंड है उससे एक लाइट इन इलास्टिक जो रोप है वो कनेक्ट की हुई है जो ऊपर क्यू पॉइंट पर फिक्स है और जो हाइट uh, है वो यहां से एल लेंथ बोल रखी है इस पॉइंट की एक ब्लॉक अल्फा डब्ल्यू वेट का इसके दूसरे एंड पे कनेक्टेड है बीम के जो फिगर में शो कर रखा है फिगर जो है अप टू स्केल नहीं है ये मेंशन किया हुआ है तो रोप जो है वो मैक्सिमम टेंशन जो है वो टू रूट टू डब्ल्यू तक सस्टेन कर सकता है इससे ज्यादा टेंशन होने पर ब्रेक हो जाएगा तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है या स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होंगे वो देखना है तो देखिये यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट बोला हुआ है कि कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट ओ मतलब ओ पर रिएक्शन फोर्स के बारे में पूछा है तो वो कैलकुलेट करें फिर कोई रिएक्शन फोर्स सेकंड पार्ट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात की हुई है फर्स्ट में वर्टिकल थर्ड के अंदर टेंशन फोर्स पूछा हुआ है फोर्थ के अंदर रोप का ब्रेक होगी वो बोला हुआ है इसमें तो इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस वाले डायग्राम में इस वाले पॉइंट पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका फ्री बॉल डायग्राम जब बना रहे हैं तो रिएक्शन फोर्स लगेगा एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट आर एक्स बोल दिया वर्टिकल कॉम्पोनेंट आर वाई बोल दिया ये मैंने ओ पॉइंट पर लिखा है इसका जो दूसरा वाला एंड है यहां पर स्ट्रिंग इस तरफ टेंशन फोर्स लगाएगी अब ये भी एल है ये भी एल है एंगल 45 डिग्री होगा तो 45 डिग्री पर टेंशन फोर्स है इस वाले पॉइंट पर डाउनवर्ड वेट एल्फा डब्ल्यू और जो रोड है उसका सेंटर पर वेट डब्ल्यू यूनिफॉर्म है अब क्या होगा इन फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए ये इक्विलिब्रियम में है तो एक तो फोर्सेस जीरो करने पड़ेंगे एक टॉर्क जीरो करना पड़ेगा तो टॉर्क इस वाले पॉइंट के अबाउट जीरो करके हम टेंशन फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए नए पेज पे आते हैं तो इस वाले के अबाउट टॉर्क ओके अबाउट टॉर्क लिखे तो रिएक्शन फोर्स का तो जीरो आ जाएगा वेट का आ जाएगा W इंटू बर्बेडिकुलर डिस्टेंस L बाई टू और इस ओ पॉइंट के ये आएगा क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले, ले लेते हैं एल्फा W का आ जाएगा एल्फा W इन डिस्टेंस L, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा टी का टेंशन फोर्स का जो टॉर्क आएगा उसके लिए टेंशन का वर्टिकल कॉम्पाउंड ले लू तो ये अपोजिट रोटेट करवाएगा तो एल की वैल्यू है टी कॉस वैल्यू है। तो ये यहां पे टॉर्क हो गया ओ पॉइंट के अबाउट और बैलेंस है तो नेट टॉर्क आना चाहिए जीरो जीरो है तो यहां से हम इस टी की वैल्यू कैलकुलेट करें एल कैंसिल कर दो तो यह आ गया डब्ल्यू कॉमन वन बाई टू प्लस एल्फा इक्वल टू टी बाई रूट टू या इसका रूट टू ये टू टी बोल रखा टेंशन फोर्स की वैल्यू आ गई रिएक्शन फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल uh, फोर्स लिख दो तो रिएक्शन फोर्स के लिए आर एक्स हॉरिजॉन्टल में आर एक्स टी कॉस फोर्टी फाइव से बैलेंस होगा तो आर एक्स इक्वल टू टी कॉस फोर्टी फाइव मीन्स टी बाई रूट टू और टी बाई रूट टू की वैल्यू यहां से है डब्ल्यू वन बाई टू प्लस एल्फा ये ऑरिजेंटल कॉम्पोनेंट वर्टिकल कॉम्पोनेंट आर वी या आर वाई बोल दो वर्टिकल कॉम्पोनेंट वर्टिकल फोर्सेस से तो आर वाई प्लस टी कॉस फोर्टी फाइव टी साइन फोर्टी फाइव प्लस इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एल्फा अब टी बाई रूट टू की वैल्यू ये रही यहां से आर वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं टी बाई रूट टू इधर ले गए तो टी बाई रूट टू के अंदर w alpha है, यहां पे भी w alpha है, हो जाएगा और टी बाई रूट टू के अंदर डब्ल्यू बाई टू है आएगा, w, w by 2 रह जाएगा। ये वैल्यूज आ गई अब ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में बोला रखा वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट ओ डज नॉट डिपेंड ऑन एल्फा तो वर्टिकल कॉम्पोनेट जो था वो है डब्ल्यू बाई टू इंडिपेंडेंट ऑफ एल्फा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड में बोल रखा है तो अगर अल्फा की वैल्यू पॉइंट फाइव रख दें तो रिएक्शन फोर्स वर्टिकल के बराबर हो जाएगा बोला टेंशन फोर्स इन द रोप इज टू डब्ल्यू फॉर इक्वल्स टू पॉइंट फाइव एल्फा पॉइंट फाइव के लिए टेंशन फोर्स जो है वो टू डब्ल्यू के बराबर है पॉइंट फाइव लिखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ और हाफ वन रूट टू डब्ल्यू के बराबर है तो थर्ड जो ऑप्शन है वो अपना गलत हो जाएगा फोर्थ द रोप ब्रेक इफ एल्फा ग्रेटर फोर्स इसमें बोल रखा था कि टेंशन फोर्स टू रूट टू डब्ल्यू के बराबर होगा तब ब्रेक हो जाएगा तो उसको इक्वल रख दो दोब्ल्यू के या ये बोल दें कि यहां पर टेंशन फोर्स जो है वो जब ग्रेटर हो जाएगा टू रूट टू डब्ल्यू के तब ब्रेक हो जाएगा तो यहां से कैलकुलेशन करें ये कैंसिल हुआ रूट टू कैंसिल हुआ तो यहां से आ गया हाफ प्लस एल्फा जब ग्रेटर हो जाएगा टू से तो एल्फा ग्रेटर हो जाएगा वन पॉइंट फाइव से तो ये ब्रेक हो जाएगा तो थर्ड ऑप्शन भी सही हो गया तो अपना ऑप्शन सही हो गए फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ इसके करस्पॉन्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक सोर्स जो है वो अप्रोच कर रहा है यू वेलॉसिटी से टूवर्ड्स ओपन एंड ऑफ ए स्टेशनरी पाइप मतलब एक स्टेशनरी पाइप के ओपन एंड की तरफ एक सोर्स अप्रोच कर रहा है और ये साउंड इमिट कर रहा है फ्रीक्वेंसी एफ अब क्या किया पाइप का जो दूसरा एंड है वो क्लोज था और साउंड की वेलॉसिटी वी और एफ नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है पाइप की तो कौन सा कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग रेजिनेस कंडीशन अकर होगी इसके अंदर वो पूछा हुआ है तो तो यहां पे देखेंगे जो सोर्स अप्रोच कर रहा होगा पाइप की तरफ अप्रोच कर रहा है तो यहां पर जो साउंड पहुंचेगा उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हम बोल सकते हैं जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन अप्रोच कर रहा है तो यहां पर आएगा माइनस वी एस और अगर रेजोनेंस कंडीशन आकर होनी है तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या सेकेंड थर्ड हार्मोनिक या फिफ्थ हार्मोनिक इनके बराबर होना चाहिए तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑर्डर मल्टीपल ऑफ एफ नॉट होना चाहिए एफ नॉट इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है तो ये रेजोनेंस कंडीशन अ करोगी क्लोज पाइप है वन एंड से इसलिए अब ऑप्शन यहां पर देखते हैं अलग अलग ऑप्शन में क्या बोला हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में बोल रखा है कि अगर वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है वो पॉइंट एट वी वेलॉसिटी ऑफ साउंड के बराबर है और फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू एफ नॉट है तो रेजोनेंस अक्कर होगा चेक कर लेते हैं। इसको एफ नॉट रख दिया फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग और इसको रख दिया पॉइंट एट डिफरेंस लेंगे पॉइंट टू और वन बाय टू हो जाएगा पॉइंट फाइव सॉरी फाइव टाइम्स ठीक है तो ये और टाइम्स आ गया सही है फर्स्ट बी में बी में बोल रखा है कि अगर यू की वैल्यू पॉइंट एट है और फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स टू एफ नॉट के बराबर है तो ये टू एफ नॉट और बाकी वैल्यू वही पॉइंट तो एट यहां पर रखेंगे वही पॉइंट टू का डिफरेंस आएगा वन बाई पॉइंट टू फाइव आएगा लेकिन ट्वाइस है इसका इस ऑप्शन में तो यहन एफ नॉट इक्वल टू ऑर्ड एफ नॉट तो एफ नॉट कैंसिल टेन ऑड है नहीं सेकेंड में गलत हो जाएगा थर्ड में थर्ड ऑप्शन में बोला रखा है कि अगर यू इक्वल टू पॉइंट एट फिर से पॉइंट एट डिफरेंस आएगा पॉइंट टू का यह आ जाएगा फाइव टाइम्स एफ एस एफ एस को ले रखा है पॉइंट फाइव तो एफ नॉट बाई टू ये जगह और ये वैल्यू आया था equals to odd times F0. अब by आ रहा है है वो है, तो तो इंटीजर ही नहीं ये भी डी ऑप्शन ऑप्शन चेक करें D के अंदर बोल रखा है कि को ले, तो को लेंगे तो ये डिफरेंस आएगा का by हो जाएगा तो ट्वाइस एफ एस और एफ एस की वैल्यू यहाँ पे बोल रखा है थ्री टाइम्स है तो ये भी करेक्ट तो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे डी एंड ए दो ऑप्शन करेक्ट हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री के अंदर बोल रखा है कि एक प्रिज्म प्रिज्म जो है उसका है उसका एंगल 60 डिग्री रिफ्लेक्टिव डेक्स ऑफ लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ जो है वो एन वन एन टू अलग अलग बोल रखा है एन टू की वैल्यू ग्रेटर देन एन वन है तो ये ज्यादा डेंसर बोल रखा है या इक्वल हो सकता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई को इस तरह से चूज किया हुआ है कि मिनिमम डेविएशन हो रहा है जब एन वन एन टू वन पॉइंट फाइव जब दोनों मीडियम से तो तो अगर ये इक्वेलिटल ट्राइंगल है तब ये इसके पैरेलल हो जाएगा इक्वलिटल ट्राइंगल है तो, तो इसके पैरेलल भी हो जाएगा तो इस वाली सरफेस पे तो ये 90 डिग्री पे ही पास होगा तो यहां पर तो चाहे मीडियम डिफरेंट हो सेम हो ये रहे तो इसी तरह से जानी है अब मिनिमम डेविएशन के टाइम पर आर वन इक्व टू आर टू थीटा बाई टू थर्टी डिग्री है तो उससे आई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू वन साइन आई इक्वस टू म्यू टू म्यू टू वन पॉइंट फाइव बोल रखा है साइन आर तो यहां से आई की वैल्यू या साइन आई की वैल्यू आ जाएगी थ्री बाई टू और वन बाई टू थ्री बाय फोर ये साइनाई की वैल्यू आ गई पहले जो रिटेटर दे रखा है उससे अब क्या किया है अनइक्वल एकवल इंडेक्स बोल रखा है एन टू की वैल्यू इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फाइव से थोड़ा सा ग्रेटर है थोड़ा सा ग्रेटर है तो एंगल ऑफ इमरजेंस जो है ई e, यहां वाला एंगल ये एंगल ई e, आई से थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि जब मिनिमम डेविएशन होता है तब तो, तो दोनों बराबर होते हैं तो आई से थोड़ा सा ग्रेटर है ये एंगल तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछा हुआ है तो वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एन तो डेल्टा ई e और डेल्टा एन में रिलेशन निकालना है हमें तो देखें इस वाली सरफेस के लिए मैं स्नेस लॉ लगा रहा हूं ये रे इसी तरह से आएगी तो आर टू की वैल्यू वही थीटा थ्री ही होनी है क्योंकि 90 डिग्री पे पास होगी यहां से परुलर पर, इंसिडेंट होगी इसलिए तो इस सेकेंड वाली सरफेस पे मैंने स्नेस लॉ लगाया म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू वन है स्मॉल चेंज बोला हुआ काफी स्मॉल वैल्यू है तो डिफरेंशिएट करके या पार्शियल चेंज लेके हम निकाल सकते हैं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं डी एन ये तो कांस्टेंट है आर टू तो साइन साइन थर्टी टू साइन ई का डिफरेंशिएशन कॉस ई साथ में डी कॉस ई की वैल्यू लगभग आई प्लस डेल्टा ई है तो अप्रोक्सीमेट आई के बराबर ही है तो e की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट i के बराबर यहां से तो थ्री बाई फोर साइन आई की वैल्यू अगर थ्री बाई फोर है तो कॉस आई की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ फोर का स्क्वायर सिक्स माइनस नाइन डिवाइड बाई फोर डीई और ये हो गया हाफ डी एन ठीक है तो इससे डी एन की वैल्यू आ गई डी एन इक्वल्स टू रूट सेवन बाय टू डीई अब ये बोल रखा है कि जो डी ए डीई की वैल्यू है वो ग्रेटर है डेल डेल्टा एन से तो डेल्टा एन लिख दें इसमें डीई को डेल्टा एन बाय डेल्टा ई इक्वल्स टू रूट सेवन बाय टू और अगर रूट के अंदर ले ले तो ये सेवन बाय रूट फोर है तो ये वैल्यू लेस देन सॉरी ग्रेटर देन वन है ग्रेटर देन वन है तो डेल्टा एन की वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा ई है तो फर्स्ट ऑप्शन जो हो गया वो गलत हो गया और डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन सेकंड सही है थर्ड ऑप्शन में बोल रखा है कि डेल्टा ई लाइज बिटवीन पॉइंट टू एंड पॉइंट थ्री मिली रेडियन इफ डेल्टा एन इज दिस वन तो डेल्टा एन की वैल्यू यहां पर बोल रखा है टू पॉइंट एट इंटू टेन सुवर माइनस थ्री तो डेल्टा ई e की वैल्यू आ जाएगी फोर या सॉरी टू बाय रूट सेवन ये वैल्यू आ गई डेल्टा ई की नए पेज में कैलकुलेशन कर लेता है तो इसको लिख सकता हूं सेवन टाइम्स पॉइंट फोर और रूट से कैंसिल हो गया ये रूट सेवन रह जाएगा इंटू टू और ये टेन यह माइनस थ्री मिली डेल्टाई रूट सेवन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है टू पॉइंट सिक्स और सेवन के बीच में टू पॉइंट सिक्स फाइव ले लेते हैं इंटू पॉइंट एट या पॉइंट फोर इंटू पॉइंट टू कर दो पॉइंट एट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा फोर्टी टू ट्वेंटी वन तो अप्रोक्सीमेट डेल्टा ई की वैल्यू इतनी आ गई मिली के अंदर सॉरी टू पॉइंट टू वन और ऑप्शन में यही बोल रखा था थर्ड ऑप्शन में कि डेल्टा ही लाइज बिटवीन टू एंड थ्री मिली रेडियन इफ डेल्टा एन दिस वन और फोर्थ में इसी सेम वैल्यू सेम वैल्यूज है डेल्टा की लेकिन ई e की वैल्यू डिफरेंट है तो ऑप्शन हो जाएंगे अपने वही बी और डी इसके अंदर करेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर फोर के अंदर एक फिजिकल क्वांटिटी एस को कुछ डिफाइन किया हुआ है ई इन टू बी बाई म्यू नॉट ई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है जो नॉर्मल मीनिंग्स होता है इनका म्यू नॉट परमिबिलिटी दे रखा है तो डायमेंशन एस की किससे मैच हो रही है वो चेक करना है एस की डायमेंशन तो देखो इसको अगर देखें तो इसको रिलेट करने के लिए ई e को मैं सी बी के बराबर बोल सकता हूं जब हम ई एम वेव बोलते हैं तो वहां से डायमेंशन कंपेयर करने के लिए सी बी के बराबर ई e को लिख दिया बी बाय म्यू नॉट और हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट एनर्जी डेंसिटी होती है ई एम वेव की तो ये हो गया एनर्जी पर मिनिट वॉल्यूम इंटू वेलॉसिटी मीटर पर सेकेंड ये एस की डायमेंशन हो गई तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो है नहीं चार्ज की डायमेंशन यहां पे कहीं नहीं है एनर्जी ये सारे एम के एस में एम uh, एल और टी में रहेंगे डायमेंशनली ये भी गलत है इसको देखें वॉल्यूम को एरिया में कन्वर्ट कन्वर्ट कर दें एनर्जी पर सेकेंड पावर हो जाएगा और वॉल्यूम अपॉन लेंथ ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा तो पावर की डायमेंशन के बराबर है दूसरा एनर्जी को वर्क से रिलेट करते हुए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दू मतलब फोर्स की डायमेंशन इनटू मीटर की डायमेंशन स्क्वायर बाय वॉल्यूम को लिख सकता हूं मीटर क्यूब सेकेंड तो ये कैंसिल हो गया तो फोर्स बाय मीटर सेकेंड डायमेंशनल ये भी मैच हो रहा है तो ये इन दोनों से मैच होगा फोर्थ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर में 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 बोल रखा है है कि एक एक हैवी न्यूक्लियस जो जो रेस्ट था और एक में गया, N जो P और रिएक्शन गया कन्वर्ट हुआ जो इसके कंपैरिजन में लाइटर है डेल्टा की वैल्यू बोल रखी है डेल की वैल्यू मास ऑफ एन माइनस मास ऑफ पी माइनस मास ऑफ क्यू पे तो जब फीजन रिएक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है तो उसमें यही होता है कि जो रिएक्टेंट है उसका मास ज्यादा होता है प्रोडक्ट का मास थोड़ा कम होता है वही मास डिफरेंस दे रखा है मास डिफेक्ट दे रखा है तो मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर ये टोटल एनर्जी इसके अंदर रिलीज होती है इस रिएक्शन में तो इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हुई उसकी वैल्यू इतनी आ गई अब इसमें ईपी e, और इ e, क्यू जो है वो काइनेटिक एनर्जी है इनकी तो इसमें और कोई प्रोडक्ट बन नहीं रहा तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी इन्हीं की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाएगी तो इसको मैं बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना करेक्ट हो जाएगा इससे फिर जो वीपी और वी क्यू है वेलोसिटी ऑफ लाइट बोल रखा था ये तो स्टेटमेंट चेक करना था तो अब वेलॉसरी चेक करने के लिए जब कोई हैवी न्यूक्लियस स्मॉल न्यूक्लियस में ब्रेक हो रहा है तो मोमेंटम भी का जरूर रहेगा तो मोमेंटम के लिए बोल सकता हूं कि मोमेंटम ऑफ मोमेंटम ऑफ क्यू या वेक्टर वाइज कंसीडर करना चाहो तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा पहले जीरो था बाद में भी जीरो रहेगा तो यहां से रिलेशन आ जाएगा कि मास ऑफ पी वेलोसिटी ऑफ पी मैग्निट्यूड वाइज मास ऑफ क्यू वेलोसिटी ऑफ क्यू के बराबर तो वेलोसिटीज़ का जो रेशियो है सी पार्ट जो बोल रखा है वेलॉसिटी ऑफ पी अपॉन वेलॉसिटी ऑफ क्यू यह आ गया मास ऑफ क्यू अपॉन मास ऑफ क्या सेकंड बी पार्ट के लिए एनर्जी कैलकुलेट की हुई है एनर्जी का पता है अब एनर्जी को हम मोमेंटम के स्क्वायर से रिलेट करते तो होता है काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब मोमेंटम तो दोनों का सेम था मास के इन्वर्स रेशियो में आएगा तो एनर्जी ऑफ पी अपॉन एनर्जी ऑफ क्यू मास के इनवर्स रेशियो में मास ऑफ क्यू अपॉन मास ऑफ पी ठीक है तो हमारे पास जो इक्वेशन आई हाँ, उनसे एक बार देखते हैं इन सबको तो मोमेंटम दोनों का बराबर आया यहां से ये एनर्जी में रिलेशन आ गया एनर्जी ऑफ पी अपॉन एनर्जी ऑफ क्यू मास के इनवर्स रेशियो में क्योंकि पी स्क्वायर टू हुए हम होता है अब इन दोनों इक्वेशन से इन दोनों का सम पता है और रेशियो पता है तो एनर्जी ऑफ पी बोल सकता हूं मास ऑफ क्यू अपॉन रेशियो का एडिशन इंटू डेल्टा सी स्क्वायर ये एनर्जी ऑफ पी आ जाएगा तो एनर्जी ऑफ पी जो है वो उसमें मास ऑफ पी का टर्म है तो ये गलत हो जाएगा सी ऑप्शन डी ऑप्शन में बोल रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम अब मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी को मैंने लिख दिया पी स्क्वायर बाई टू एम से यहां से रिलेट कर रहा हूं तो डेल्टा सी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर दोनों का सेम मोमेंटम बाई टू एम मास ऑफ पी प्लस पी स्क्वायर बाय टू एम कॉमन ले लोगे, तो डेल्टा लोग पी की वैल्यू इसके रूट के बराबर आ जाए और जो नेक्स्ट ऑप्शन है डेल्टा सी स्क्वायर बाहर ले ले तो ये मैच हो रहा है सी डेल्टा ट्वाइस म्यू और म्यू इसको बोला हुआ इसी टर्म को तो यहां पर ये वैल्यू भी मैच हो रही है डी ऑप्शन भी सही है फिफ्थ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्स के अंदर यहां पे बोल रखा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है सर्कुलर लूप है रेडियस R है दूसरे का रेडियस डबल है एक्स वाई प्लेन के अंदर है दोनों और कॉमन सेंटर है करंट जो है वो आई वन एक में जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज़ और I2 जो है वो जा रहा है क्लॉप और वैल्यू कंपेयर करें तो I2 की वैल्यू इसके से भी ग्रेटर है तो वाई में जो है उसको है उसको किया हुआ से तो कौन से स्टेटमेंट सही है वो पूछा हुआ है तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं तो इसमें बोल रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू तो एक्स वाई प्लेन एट, एट एनी पॉइंट इन गिवन प्लेन तो यहां पर आईवन की वजह से सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे देखेंगे तो आउटवर्ड आएगा आउटवर्ड इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ जाएगा अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सर्कुलर लूप बनाती है तो इस लूप की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे इस तरह से सर्कुलर लूप बनाता हुआ जाएगा तो सर्कुलर लूप की वजह से यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर परपेंडिकुलर लीव हो रही है तो इस तरह से सर्कुलर लूप बनाने के लिए यहां से सिमेट्री की वजह से ही बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर एंटर भी करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर यहां से निकलेंगी परपेंडिकुलर एंटर करेंगी इस तरह से सर्कुलर लूप बनाती जाएगी तो इस प्लेन के अंदर कहीं पे भी किसी एक इंडिविजुअल की वजह से देखोगे तो वो परपेंडिकुलर होगी जो भी इनसाइड या आउटसाइड हो दूसरे की वजह से भी परपेंडिकुलर होगी दोनों का जो रिजल्टेंट आना है

जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्स वाई पर वो डिपेंड्स ऑन एक्स वाई ओनली थ्रू द रेडियस रेडियल डिस्टेंस आर मतलब यहां पे इस प्लेन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी ऑफ एक्स वाई वो रेडियल डिस्टेंस इस पे ही डिपेंड करेगा एक्स और वाई के टर्म में ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे चाहे इधर कोई पॉइंट लो इक्वी डिस्टेंस कोई से भी पॉइंट ले लो सारे पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम ही आना है तो हम बोल सकते हैं कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड किसी एक्स वाई पर होगा वो रेडियल डिस्टेंस के ही डिपेंडेंट आएगा इसी पे डिपेंड कर रहा हो तो ये भी सही हो जाएगा तो फर्स्ट सही है सेकंड सही है मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो एट ऑल पॉइंट्स आर लेस देन कैपिटल आर मतलब इसके अंदर वाले रीजन के लिए बोला हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन जीरो है कहीं पे भी जीरो नहीं आएगा तो देखते हैं सेंटर पे देखते हैं एक बार तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड एक लूप की वजह से म्यूनोट आई बाई टू आर दूसरे वाले की रेडियस डबल है रेडियस डबल है लेकिन करंट भी पहले वाले के डबल से ज्यादा है तो मैं बोल सकता हूं कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी टू ग्रेटर देन बी वन है डायरेक्शन दोनों की इसकी वजह से आउटसाइड इसकी वजह से इनसाइड तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इफेक्टिव होगा इस बी टू की वजह से मतलब इनसाइड लेकिन जब इस वायर के पास देखेंगे तो वायर के पास डिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से वायर का इफेक्ट ज्यादा होगा तो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा वायर के पास इनसाइड है, यहां पे आउटसाइड है, तो बीच में एक ना एक पॉइंट पर कैंसिल आउट भी होंगे जीरो भी होंगे तो कोई एक सर्कुलर रीजन ऐसा भी मिलेगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो भी मिलेगा तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा बी एक्स वाई पॉइंट नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन फॉर ऑल द पॉइंट बिटवीन टू लूब इन दोनों लूब के बीच में जो मैगनेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है जबकि क्या है इसकी वजह से मैंगनेटिक फील्ड आउटसाइड लूब की वजह से इन साइड है तो इसके आस पास इन साइड आएगा तो आउटसाइड पॉइंट नहीं कर रहा है डी ऑप्शन गलत हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन में सेवन और एट रिलेटेड है सेम इसी बेस्ड है तो इसमें क्या बोल रखा है कि एक सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल है इसके अंदर वाटर भरा हुआ है डेंसिटी वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब जो है वो इसके अंदर रखी हुई है जिसके अंदर आइडियल गैस कंसीडर करनी है जो छोटा सा ट्रैप हो रखा है गैस और टेस्ट ट्यूब का जो मास है टेस्ट ट्यूब का मास जो है वो फाइव ग्राम है एयर है तो एयर का मास टेस्ट ट्यूब के कम्पेरिजन में वाटर के कम्पेरिजन में नेग्लेजिबल बोल सकते हैं डेंसिटी बहुत कम है तो लगभग इसका मास फाइव ग्राम के बराबर ही है अब ये है कि जो ग्लास है वो डेंसिटी पॉइंट टू टू सेंटीमीटर क्यूब का है तो, मास है फाइव ग्राम, फाइव ग्राम पर तो इसका वॉल्यूम आ गया टू तू सेंटीमीटर क्यूब ट्यूब का वॉल्यूम आ गया एयर भी है इसमें वाटर भी है अब क्या बोल रखा है कि जो प्रेशर पी नॉट है जब टेनिस बार फाइव है, तब

और जो वॉल्यूम है इसके अंदर एयर का वो वी नॉट माइनस डेल्टा बी हो गया तो ये डेल्टा वी की वैल्यू इस वाले पार्ट में डेल्टा वी की वैल्यू बतानी है और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें डेल्टा पी वाई की वैल्यू बतानी है तो ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो देखो जैसे ही प्रेस किया इसको तो क्या होगा इसका जो वेट है वो बॉयसी फोर्स से जस्ट बैलेंस हो रहा होगा ताकि उससे ज्यादा प्रेशर होते ही जस्ट सिंक हो गया तो हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ बॉयसी इक्वल्स टू एमजे फोर्सो का डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो वाटर है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एक तो ट्यूब का वॉल्यूम आएगा प्लस जो एयर है उसका वॉल्यूम आएगा ये है, ग्लास ट्यूब प्लस एयर ये दोनों बैलेंस हो रहे एम जी से इसका एम है फाइव ग्राम एन टू जी जी कैंसिल हो गया ट्यूब का वॉल्यूम टू है सारी वैल्यू सी में ले रहे हैं तो वाटर की डेंसिटी बन हो जाएगी ये टू है सी में वॉल्यूम ऑफ एयर कैंसिल हुआ इधर आ गया फाइव यूनिट्स भी कैंसिल हुई डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, ग्राम कैंसिल हो जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू जाएगी तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एयर सेंटीमीटर क्यूब हो गया जो पहले थ्री पॉइंट थ्री सेंटीमीटर क्यूब था तो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट कितना हुआ पॉइंट थ्री सेंटीमीटर क्यूब का तो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हुआ है पॉइंट थ्री सेंटीमीटर क्यूब का तो वॉल्यूम डिक्रीमेंट आ गया फर्स्ट पार्ट हो गया अब सेकंड पार्ट में पूछा है कि प्रेशर में कितना चेंज किया है तो प्रेशर में चेंज के लिए आगे कैलकुलेशन करते हैं इसमें प्रेशर में चेंज पूछा हुआ है तो प्रेशर में चेंज के लिए आगे कैलकुलेशन करें तो टेंपरेचर कांस्टेंट बोला हुआ है हम बोल सकते हैं p1 v1 p2 v2 तो पहले प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग एटमोस्फेयरिक प्रेशर ही कंसिडर कर रहे हैं इसके अंदर क्योंकि ये बोल रखा है कि जस्ट इसको सील किया हुआ था एटमोस्फेरिक प्रेशर पे तो यहां पे कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं प्रेशर लगभग एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर वॉल्यूम जो था वो पहले था 3.3 इसको नॉट लिख देता हूं अभी के लिए प्रेशर बाद में हो गया पी नॉट प्लस डेल्टा पी वॉल्यूम बाद में हो गया वी माइनस डेल्टा वी वी नॉट माइनस डेल्टा वी पी नॉट वी नॉट ओपन कर दोगे तो पी नॉट वी नॉट प्लस पी नॉट डेल्टा वी नेगेटिव का फिर प्लस डेल्टा पी नौट वी नॉट और प्लस माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी इधर है पी नॉट वी नॉट पी नॉट वी नॉट कैंसिल हो गया हमें कैलकुलेट करना था डेल्टा पी की वैल्यू तो पी नॉट डेल्टा वी को उधर ले गए डेल्टा पी इधर रखा बाकी वैल्यू है वी नॉट माइनस डेल्टा वी तो पी नॉट बाय डेल्टा वी डिवाइड बाय वी माइनस डेल्टा वी इसके बराबर है वी नॉट माइनस डेल्टा डेल्टा पी प्रेशर था 10^5 बार 5 पास्कल वॉल्यूम में चेंज हुआ है 0.3 सेंटीमीटर क्यूब लेकिन ऊपर भी सेम डायमेंशन है नीचे भी सेम इसका यूनिट ऊपर और नीचे सेम है और ये डिफरेंस लेने के बाद 3 सेंटीमीटर क्यूब रह रहा था तो ये 10 टाइम्स कम हो गया तो 10^4 पास्कल के बराबर प्रेशर है तो जे पूछा हुआ है y की वैल्यू 10^3 पास्कल में पूछी हुई है तो 10 टाइम्स 10^3 पास्कल तो टेन इसका वैल्यू हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पे में बोल रखा है कि एक पेंडुलम जो है वो पॉइंट वन के जी का बॉब उससे लटकाया हुआ है स्ट्रिंग जो है वो इनलास्टिक है स्ट्रिंग की लेंथ जो कंसीडर करनी है वन मीटर सस्पेंड किया हुआ है हाइट जीरो पॉइंट नाइन मीटर मतलब लेंथ के कंपैरिजन में कम हाइट पे उसको सस्पेंड किया हुआ है तो so, स्ट्रिंग थोड़ा ढीला रहेगा और ये बड़ा हुआ था

स्ट्रिंग जो है वापस से टाइट हुई और ये लिफ्ट हो गया फ्लोर से तो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पेंडुलम अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जस्ट बिफोर द लिफ्ट ऑफ इज और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोमेंटम जस्ट आफ्टर द लिफ्ट ऑफ इज के तो यहां पर क्या हुआ ये आगे गया टाइट हुआ इस तरह की सिचुएशन बनी तो टाइट होते टाइम पर ये तो पॉइंट नाइन है मीटर में ये वन मीटर है

सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है लिफ्ट करने के बाद तो लिफ्ट करने के बाद भी इसके जस्ट बाद अगली सिचुएशन में जब ये ऐसे जा रहा होगा तो जो जर्क लगा वो तो ये वाला लगा है इस पॉइंट के अबाउट और नॉर्मल जो था वो तो जीरो हो गया ग्रेविटी का इफेक्ट थोड़ा टाइम के बाद आएगा अभी उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो इस वाले पॉइंट के अबाउट इस पे कोई भी फोर्स नहीं है या इंपल्सिव फोर्स नहीं है सॉरी टॉर्क नहीं है तो अगर इस वाले पॉइंट के टॉर्क जीरो है, तो बोल सकता हूं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो काइनेटिक एनर्जी पहले या बाद में कोई से भी कैलकुलेट करो मतलब बाद में रोटेट करेगा सॉरी बाद वाली काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें जब रोटेट करेगा तो बोल सकता हूं एंगुलर मोमेंटम बाय टू आई ये स्क्वायर बाय टू आई तो कारेंटिक एनर्जी हो गई जे की वैल्यू कैलकुलेट की थी फर्स्ट पार्ट में वही सेकंड पार्ट के लिए बाय पॉइंट तो लिखा है जे स्क्वायर बाई टू आई आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट वन एट इंटू जीरो पॉइंट वन एट डिवाइड बाई टू इंटू पॉइंट वन तो इससे जीरो पॉइंट नाइन और सेवेंटी टू तो ये इतना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी जूल में काइनेटिक एनर्जी जीरो पॉइंट सिक्स टू के बराबर तो काइनेटिक एनर्जी पूछी थी दो डेसिमल प्लेस तक जीरो पॉइंट वन सिक्स सॉरी जीरो पॉइंट वन सिक्स के बराबर आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सर्किट में एक फिलामेंट है जो सीरीज में कनेक्टेड है कैपेसिटर से जिसका कैपेसिटन सी माइक्रोफेरेट है और 200 वोल्ट मेन सप्लाई है 50 है. अब जिस सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है एसी सोर्स से 200 वोल्ट आरएमएस वैल्यू कंसीडर करेंगे 50 हर्ट से 500 सो वोट जो पावर कंज्यूम हो रहा है वो लैंप में कंज्यूम हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट हंड्रेड वोल्ट है कोई इंडक्टेंस कंसीडर नहीं करना है मतलब केवल कैपेसिटर और रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं सर्किट में तो रेजिस्टेंस में जो पावर कंज्यूम होगा 500 हंड्रेड वॉट उस पावर को बोल सकता हूं करंट इनटू वोल्टेज आई आर एम एस वी आर एम एस बोल सकते हो एसी में तो यहां पे वी आर एम एस की वैल्यू इसके अक्रॉस हंड्रेड बोल रखी है बल्ब के अक्रॉस या फिलामेंट के अक्रॉस तो करंट की वैल्यू आ गई फाइव एम या रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो आर इक्वल टू वी बाई आई कर दो वोल्टेज सा हंड्रेड करंट है फाइव तो हंड्रेड बाई फाइव करेंगे ओम रेजिस्टेंस आ गया तो करंट आ गया सर्किट में फिलामेंट का रेजिस्टेंस आ गया अब यहां पे सर्किट में केवल कैपेसिटर और फिलामेंट है एसी सोर्स के साथ तो इन दोनों में जो वोल्टेज है उसके बीच में फेज डिफरेंस आता है पाइप बाई टू का क्योंकि दोनों में करंट सेम होगा इसमें करंट वोल्टेज सेम फेज के साथ इसमें करंट वोल्टेज से लीड करता है पाई बाई टू से तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है 90 का तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और ये दोनों मिला के रिजल्टेंट वोल्टेज बता रहे होंगे जिसकी वैल्यू है 200 तो 200 का स्क्वायर इक्वल टू हंड्रेड स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 माइनस वन थ्री और रूट लेंगे तो वीसी की वैल्यू आ जाएगी रूट थ्री टाइम्स हंड्रेड वोल्ट करंट तो दोनों में सेम है फाइव तो यहां से एक्ससी की वैल्यू आ जाएगी एक्ससी की वैल्यू आ जाएगी बी तो सी बाई आई आर एम एस तो इससे डिवाइड बाई करंट फाइव करोगे डिवाइड बाई फाइव करेंगे तो ट्वेंटी रूट थ्री एक्सी की वैल्यू आ गई पूछिए सी की वैल्यू तो एक्ससी को हम लिख सकते हैं वन अपॉन ओमेगा सी ओमेगा सी हो जाएगा टू पाई एफ जो फिफ्टी है तो सी की वैल्यू हो जाएगी ये हंड्रेड एक और जीरो थाउजेंड ऊपर ले जाके लिखोगे माइनस थ्री डिवाइड बाय टू पाई रूट थ्री वन बाई सॉरी ये वैल्यू आ जाएगी और पाई रूट थ्री की वैल्यू फाइव है ट्वाइस हो जाएगा टेन तो सी की वैल्यू आ जाएगी टेन और नीचे इस बार माइनस फाइव फेरेड माइक्रोफेरेड में लिखोगे तो हंड्रेड माइक्रोफेरेड यह वैल्यू आ जाएगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई हंड्रेड माइक्रोफेर इसी के अगले पार्ट में पूछा है डिफरेंस कितना है तो फेज डिफरेंस के लिए, लिए लिख सकता हूं 10, 5, XC R. XC की वैल्यू आई थी ट्वेंटी रूट थ्री और आर की वैल्यू आई थी ट्वेंटी तो रूट थ्री टेन फाइव रूट थ्री तो फाइव की वैल्यू होगी सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री फाइव की वैल्यू आ जाएगी ठीक है पेपर टू सेक्शन थ्री तो ये आ, इस सेक्शन में दो पैराग्राफ्स हैं ठीक है और हर पैराग्राफ में दो क्वेश्चन हैं और सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस हैं और मार्किंग स्कीम भी वैसे ही है अगर सही है तो प्लस थ्री और अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो जीरो नेगेटिव मार्क जो है वो माइनस वन है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए A special metal S conducts electricity without any resistance. A closed wire loop made of S does not allow any change in flux through itself by inducing a suitable current to generate a compensating flux. The induced current in the loop cannot decay due to its zero resistance. This current gives uh, gives rise to a magnetic moment, which in turn repels the source of magnetic field or flux. Consider such, of, uh, such a loop of radius A with its center at the origin. A magnetic dipole of moment M is brought along the axis of this loop from infinity to a point at distance small r, which is uh, very, very greater than A, from the center of the loop with its north pole always facing the loop, as shown in the figure below. The magnitude of the magnetic field of a dipole M at a point on its axis at a distance small r is mu naught m by 2 pi r cube. Where mu 0 is the permeability of free space, the magnitude of the force between two magnetic dipoles with moments m1 and m2 separated by a distance r on the common axis with their north poles facing each other is km1 m2 by the power 4. Where k is a constant of appropriate dimensions, the direction of this force is always along the line joining the two dipoles. Now, this is a very related question. और यहां एक लूप गिवन है हमें और लूप का जो रेडियस है वो स्मॉल ए है और इस लूप से स्मॉल आर डिस्टेंस पर आपको एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दे रखा है एंड हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट इज एम स्मॉल एम और ये सुपर कंडक्टर है तो सुपर कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को पास नहीं होने देगा तो ये इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी ताकि यहां पर फील्ड की वैल्यू ओवरऑल जो फील्ड है वो जीरो आना चाहिए फील्ड जीरो होगा तो, हो तो यहां पर फील्ड जीरो आना चाहिए तो हमें r, loop, the figure, the in to, तो हमें तो रफली इसकी वैल्यू बतानी देखिए वेन द डायपोल एम इज प्लेसड एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप एज ऑन द फिगर द करंट इंड्यूस इन द लूप विल बी प्रोपोर्शनल टू ठीक है तो लगभग हमें ये थोड़ा आइडिया बताना है कि इसके अंदर जो करंट है वो करंट किसके प्रोपोर्शनल होगी देखिए मैग्नेटिक मोमेंट है डायपोल मोमेंट एम वेक्टर इसके कारण यहां पर इस लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रहा है बी वेक्टर और जो लूप है उस लूप के कारण करंट किस तरीके से प्रोड्यूस होनी चाहिए करंट किस तरीके से फ्लो होनी चाहिए ताकि ये इसको कैंसिल आउट कर दे तो मैग्नेटिक ये जो करंट कैरिंग लूप है या जो लूप है सुपर कंडक्टर इसके अंदर करंट इस तरीके से फ्लो होगी ताकि इस मैग्नेटिक फील्ड को ये कैंसिल आउट कर दे राइट right? तो इस डायपोल का आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है म्यू नॉट अपॉन टू पाई एम बायर तो ये वाली वैल्यू मैं यहां पर रख सकता हूं तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एम बाय टू पाई आर क्यूब ये इस डायपोल का यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट आ गया मैग्नेटिक फील्ड आ गया और इस मैग्नेटिक फील्ड को ये लूप में जो करंट फ्लो होगी वो करंट इसको कैंसिल आउट करेगी तो ऑलमोस्ट अपन कह सकते हैं यहां पर जो है लूप में जैसे सपोज करंट आई है तो सेंटर पे फील्ड डेफिनेटली जीरो होना चाहिए तो करंट अगर आई है तो ये करंट कैरिंग लूप हो गया एक तरीके से और उसका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा सेंटर पर म्यूनोट आई बाई टू ए म्यूनोट आई बाई टू ए तो हमसे केवल ये पूछा है कि जो आई है वो किसके प्रोपोर्शनल है तो यहां पर एम और आर के टर्म्स में हमें जवाब देना है तो यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है आई इज प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन आर क्यूब आई इज प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन क्यूब और आई की एक्जेक्ट वैल्यू देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकाल सकते हो रफली वो वैल्यू आ जाएंगी तो आई जो है वो एम अपॉन क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा तो काफी प्यारा सा सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था यह ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का ही है सेम डायग्राम भी वही बने हैं ठीक है मतलब इसी पैराग्राफ का ही क्वेश्चन है ये आइए नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डायपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप बाय द गिवन प्रोसेस इज प्रोपोर्शनल टू अगेन हमें वर्क डन बताना है मतलब इस डायपोल को इस लूप के पास लेके आना है तो इन्फिनिटी से अगर हम स्मॉल आर डिस्टेंस तक इस लूप को लेके आएंगे तो ये बताना है कि वर्क कितना करना पड़ेगा सीधी सी बात है ये ये जो 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 जो, जो सुपर का लूप लूप है ये लूप इस पर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में और इवन हमें फोर्स की वैल्यू पता रहनी चाहिए लेकिन यहां पर जेई ने ये फोर्स का वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी पहले से ही तो फोर्स जो के एम वन एम टू बात करें जैसे आई जो है वो एम अपन क्यूब के प्रपोर्शनल आ चुका है तो इस वाले रिलेशन को मैं आगे यूज करूंगा तो प्रपोर्शनलिटी के साथ हमें इसका जवाब देना है तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है देखिए इस डायपोल पर ये जो करंट कैरिंग लूप है ये इस के फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में ठीक है और हमें इस लूप को इस डायपोल को इन्फिटी से इस तरफ लेके आना तो हमें एक्जैक्टली exactly उतनी अमाउंट का फोर्स इस तरफ लेके लग, लगाना पड़ेगा तो हमें वर्क करना पड़ेगा ऑब्बियसली तो वकदन क्या होगा सिंपली एफ डो डीआर को इंटीग्रेट करके वकदन निकाल लेंगे अपन तो सबसे पहले फोर्स को लिखना पड़ेगा हमें तो फोर्स किसके इक्वल होगा एक्जैक्टली एफ एक्सटर्नल जो है एफ के बराबर होगा सो एफ इज प्रपोर्शनल टू मैं यहां पर प्रपोर्शनल साइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आई की जो वैल्यू है वो मैं अपॉन आर क्यूब के प्रोपोर्शनल रखूंगा तो प्रपोर्शनल के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू देखिए एम वन एम टू बान की वैल्यू एम आ गई आर की पावर फोर तो, और एम टू जो है वो इस लूप का डायपोल मोमेंट होगा और लूप का डायपोल मोमेंट जो है वो आ जाएगा आई जो करंट फ्लो कर रही है इनटू एरिया एरिया आ जाएगा पाई ए स्क्वायर तो पाई स्क्र अगेन एक कॉन्स्टेंट है और आई जो है वो एम आर के प्रोपोर्शनल है तो यहां पर एम अपॉन आर क्यूब में लिख देता हूं तो इसका मतलब अल्टीमेटली जो फोर्स आया वो फोर्स फोर्स नेक्स्ट पेज पे देखें तो इज प्रोपोर्शनल टू यहां जाएगा एम आर की पावर सेवन ये फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स है और वगदन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम उल्टा उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस उस एफ के कारण आ जाएगा लेकिन इस एफ के कारण वो पॉजिटिव होगा ठीक है तो अल्टीमेटली देखा जाए तो एफ डी करके आप इंटीग्रेट करके वर्कडन निकाल सकते हो इन्फिनिटी से ठीक है तो इसको रिलेट करें अगर अपन तो एम स्क्वेयर आर की पावर सेवन और यहां डी इंटीग्रेट करें अगर अपन तो एम स्क्वेयर तो बाहर आ गया आर की पावर सेवन की बात करें तो आर की पावर माइनस सेवन प्लस वन नीचे माइनस सेवन प्लस वन मतलब आर की पावर माइनस मतलब डिवाइड में आर की पावर सिक्स आ जाएगा समझ आई बात बाकी प्लस माइनस क्या है उसको जाने दो इन्फिनटी की बात करें तो आर की पावर आर की वैल्यू इनफिनिटी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और आर, आर रखोगे तो ये वैल्यू एम स्क्न आर की पावर सिक्स के प्रोपोर्शनल आ गया है ना तो प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से अपन को जवाब देना था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो इसका जो आंसर है इसके अकॉर्डिंग एम स्क्वेर अपॉन आर की पावर सिक्स आना चाहिए इसके ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है आइए तो ये

राइट right साइड का जो वॉल्यूम है वो वी नोट बाई टू हो जाता है ठीक है कॉन्सिक्वेंटली द गैस टेम्परेचर ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड बिकम्स टीएल एंड आर तो इसका टेम्परेचर टीएल हो गया और इसका टेम्परेचर टी हो गया चलिए इग्नोर द चेंजेस इन द टेम्परेचर सिलेंडर हीटर एंड द पार्टीशन ओके तो मतलब ये इनकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा या ही कह सकते हीट कंडक्ट करेंगे नहीं बस इतना ही इंफॉर्मेशन सफिशियंट हमारे लिए अब हमसे पूछा क्या है वैल्यू ऑफ टी आर बाई टी नोट फर्स्ट क्वेश्चन है टीआर और टी नोट का रेशियो क्या है राइट right साइड वाला टेम्परेचर हमें पता करना है तो अगर आप इस चैंबर को देखो राइट right साइड वाले तो ये पूरी तरह से कंप्लीटली थर्मली इंसुलेटेड है इसमें हीट का कंडक्शन हो ही नहीं सकता दैट मीनस अंदर वाली जो गैस है चैंबर टू वाली जो गैस है वो डेफिनेटली एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू जो है वो पास होगी तो इसमें प्रोसेस कैसी होने वाली गैस की एडियाबेटिक प्रोसेस तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ रिलेशन टी वी टू दी पावर गामा माइनस वन इक्वस टू कॉन्स्टेंट तो इनिशियली अगर टेम्परेचर देखा जाए तो टी नॉट है वॉल्यूम वी नॉट है एंड फाइनली अगर देखा जाए तो टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है इसको इसने टी आर लिखा है राइट right वाले चैंबर के लिए टीआर और वॉल्यूम जो वी नो बाई टू हो गया तो वी नोट की पावर गामा माइनस वन और टू की पावर गामा माइनस वन तो ये इससे कट गया यहां से तो टी आर अपन टी नॉट कैलकुलेट करना टी आर बाई टी नॉट यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है टी इज इक्वल टू की की पावर गामा वन. गामा वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी सीपी की वैल्यू थ्री आर हो जाएगी गामा की वैल्यू थ्री बाई टू आ गई ठीक है तो गामा की वैल्यू थ्री बाई टू थ्री बाई टू माइनस वन गामा माइनस वन थ्री बाई टू माइनस वन विच मीन वन बाई टू सो टी आर बाई टी नॉट इक्व टू टू की पावर वन बाई टू विच मीन रूट टू टी आर बाई टी नॉट इक्वल टू रूट टू ये आंसर आ जाएगा काफी सिंपल सा क्वेश्चन तो इसका इस कंडीशन uh, uh, में आंसर क्या आ जाएगा ए रूट टू तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है बाकी टीएल की वैल्यू भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं ओके नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या पूछा है द वैल्यू ऑफ क्यू अपॉन आर टी नॉट क्यू मतलब जो ये हीटर जो हीट जनरेट करेगा उस क्यू की वैल्यू क्या है तब आप उसमें आर टी नोट को डिवाइड करोगे देन आपके पास ये वैल्यू आएगी जो भी ऑप्शन आपको नजर आ रहा है इसका मतलब हमें क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कैलकुलेट करना पड़ेगा तो क्यू की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की जाए उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा टी आर और टी नोट का रेशो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और ये रिलेशन आगे हम देखेंगे यूज कर सकते हैं ठीक है तो इसको मैं साइड में लिख दूंगा यहां पर चलिए देखते हैं तो टी आर की वैल्यू जो है वो रूट टू टी नोट के इक्वल है ओके फाइनल जो कंडीशन है वो है ये चलो फाइनल कंडीशन के लिए हम डायग्राम बना लें, नेक्स्ट कंडीशन के लिए ओके okay, तो चलिए इतना सफिशियंट है तो ये इनिशियल केस था यहां पर और पिस्टन जो है यहां तक आ चुका है अब पार्टीशन जो यहां तक आ चुका है ये वाला जो चैंबर है इस चैम्बर में जो गैस है इसका टेम्परेचर टी हो चुका है और टी जो है वो रूट टू टाइम्स ऑफ टी नोट इक्वल है इस वाले चैम्बर में हीटर लगा हुआ है क्यू हीट जनरेट करेगा और इस वाले चैंबर की जो गैस है उसका वॉल्यूम बढ़ चुका है तो टेम्परेचर इसका टीएल है और वॉल्यूम जो है वो थ्री वी नोट बाई टू हो गया इस वाले का वॉल्यूम वी नोट बाई टू के इक्वल हो चुका है 2, 2. Uh, which means TL का मतलब साइड प्रेशर क्या है ऑलमोस्ट बराबर है तो so, इधर जो भी प्रेशर होगा सेम प्रेश्जिस्ट करेगा ठीक है तभी यह केस पॉसिबल है कि पिस्टन धीमे धीमे मूव करे तो so, दोनों साइड प्रेशर सेम होगा अब जो दोनों साइड प्रेशर सेम होगा इसका मतलब यहां पर भी प्रेशर सेम होगा यहां पर भी प्रेशर सेम होगा जब वी नोट बाई टू जब वॉल्यूम हो जाएगा मतलब फाइनल केस की बात करें तो इस तरफ जो प्रेशर है ठीक है वही सेम प्रेशर इस तरफ है अगर ऐसा है तो शायद अपन टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं देखिए कैसे यहां वाला जो प्रेशर है इसके लिए मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं इस वाले के लिए तो क्या बनेगा पी वॉल्यूम इज वीनोड बाई टू नंबर ऑफ मोल्स वन है आर और टेम्परेचर अब इसकेस में टी आर हो चुका है जिसकी वैल्यू रूट टू टी नोट के इक्वल है और इस वाले चैंबर के लिए बात करूं इसके लिए इक्वेशन लगाऊं तो पी वॉल्यूम इसका थ्री नोट बाई टू हो चुका है और और नंबर ऑफ मोल्स इसके लिए भी वन है आर, और इसका टी एल है R अब यहां से इस रिलेशन से अगर अपन देखें तो पी वी नोट बाई टू की वैल्यू आर रूट टू टी नॉट है वो यहां रख दूंगा मैं तो पी वी नोट बाई टू की वैल्यू मैं रखने वाला हूं तो ये थ्री आ गया मल्टीप्लाई में और यहां आ जाएगा आर रूट टू टी नॉट इज इक्वल टू आर टी एल तो यहां से आर की वैल्यू कट जाएगी और टीएल हमारे पास आ चुका है थ्री रूट टू टी नोट मतलब लेफ्ट साइड वाला जो चैंबर है उसका टेम्परेचर हम फाइंड आउट कर चुके हैं अब बात आती है कितनी हीट प्रोवाइड की इसने बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है देखिए इस वाले चैंबर के अंदर जो गैस है इस गैस को जो हीटर ने हीट प्रोवाइड की वो किसके इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी ठीक है एनसीवी डेल्टा टी तो यहां पर इसकी जो गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी डेफिनेटली राइज होगी और प्लस में वकडन ठीक है अब की अगर अपन बात करें तो वकदन यहां पर इस केस में कितना होना चाहिए है ना इस केस में कितना होना चाहिए तो देखिए यहां वाले पार्ट की बात करें इस वाले पार्ट की बात करें इस वाले चैंबर की बात करें तो इसमें भी सेम प्रेशर लग रहा है इधर भी सेम प्रेशर लग रहा है प्रेशर बोथ साइड सेम है तो ये जो गैस कंप्रेस करेगी तो इसके लिए वकदन क्या हो जाएगा, जाएगा। इस वाली के लिए वगदन जो फोर्स तो तो वर्क करेगा वो तो पॉजिटिव होगा इस गैस के लिए और इस गैस के लिए वो क्या हो जाएगा? जाएगा तो हमें क्या करना है इस गैस वाला वकडन निकालना है और उसको पॉजिटिव रख करके इसके साथ अटैच कर देना है तो W मतलब इस गैस के कारण जो वकदन है वो वकडन हमें

वकडन आ गया यह वकदन इस गैस के लिए नेगेटिव है, लेकिन इस गैस के लिए यही वकदम पॉजिटिव होगा तो इसको मोड ले लेना है प्लस में वैल्यू रख देनी है तो देखिएगा N, N CV, CV टी, मतलब टी फाइनल कितना है थ्री रूट टू टी नॉट इनिशियल कितना टी नॉट ये वैल्यू रख दी अब यह वकडन जो पॉजिटिव रखना हमें तो माइनस को करके वैल्यू पॉजिटिव रख दो एन इन थ्री आर और यहां आ जाएगा रूट टू माइनस इसको थोड़ा रब कर लें, ओके, ठीक है जी अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहां से एन की वैल्यू यहां से भी कॉमन आ जाएगा आर भी आ जाएगा टी नोट यहां से भी आ जाएगा तो आर टी नॉट दोनों साइड से कॉमन लेके डिवाइड में कर दो तो क्यूबाई आर टी नोट बराबर यहां पे बचा टू टू से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए टू इंटू थ्री सिक्स रूट टू माइनस ये वन बचेगा टू इंटू वन टू बचा प्लस इस तरह मल्टीप्लाई करें थ्री रूट टू ओके देन यहां आ जाएगा माइनस का सॉरी यहां पर ये गलत रख दिया टू आर था सीवी की वैल्यू टू आर थी तो यहां पर गलती हो गई ये टू आर रखो तो टू रूट टू माइनस यहां आ जाएगा टू तो क्यू अपॉन आर टी नॉट क्यू अपॉन आर टी नॉट इज इक्वल टू हाँ यहां पर गड़बड़ कर गड़ दिए टू आर तो 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 वैल्यू कितनी आई सिक्स प्लस टू एट एट रूट टू माइनस फोर तो एट रूट टू माइनस फोर फोर कॉमन ले लीजिए टू रूट टू माइनस वन तो ये भी काफी प्यारा सा क्वेश्चन था ये ठीक है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बस कि जो पिस्टन है वो स्लोली मूव कर रहा है तो उस केस में प्रेशर बोथ साइड क्या रहेगा सेम रहेगा तो जितना वर्क ये पिस्टन करेगा वही सेम उसका उल्टा मतलब नेगेटिव में वकदन इस गैस के द्वारा होगा ठीक है तो ये ये वाली गैस का वकदन हमने निकाल लिया उसका मॉड ले लिया वो वकदन हमने इसके साथ अटैच कर दिया और खेल खत्म क्वेश्चन क्लीन बोर्ड हो गया ठीक है तो क्यू ओपन आर टी नोड इक्वल टू फोर ब्रैकेट में टू रू टू माइनस वन तो चलिए देखते हैं यस तो फोर रूट टू फोर ब्रैकेट में टू रू टू माइनस वन तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए फोर टू रू टू माइनस वन तो ये देखो जी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा ट्रिकी था फर्स्ट पार्ट काफी इजी था सेकंड पार्ट थोड़ा ट्रिकी था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ओके okay. तो पैराग्राफ के जो दो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं उनमें डबल डबल क्वेश्चन थे अब सेक्शन फोर पे आते हैं जी सेक्शन फोर जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो थ्री है ठीक है और इंटीजर टाइप क्वेश्चन है है ये ठीक परफेक्ट इंटीजर बनेगा और फुल मार्क्स अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया है सही है फुल मार्क्स फोर है और अगर गलत भी हो जाता है या अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके इसमें जीरो है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है ठीक है नेगेटिव मार्किंग नहीं है ये अच्छी बात है तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन है करंट uh, इलेक्ट्रिसिटी से इन ऑर्डर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन ऑफ ए सेल ऑफ एफ ई मीटर ब्रिज ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर नॉट फिफ्टी ओम ए रेजिस्टेंस आर नॉट बाई टू अन सेल ऑफ एफ ई बाई टू इंटरनल रेजिस्टेंस स्मोल आर एंड गैलनोमीटर जी आर यूज इन सर्किट एश ऑनगर इफ द नल पॉइंट इज फाउंडी टू सेंटीमीटर सर्किट हमें दिख रहा है यहां पर आर वन की वैल्यू हमसे पूछी है और बाकी ये जो जो वायर दिख रहा है मीटर ब्रिज वाला वायर जो दिख रहा है कि नल पॉइंट जो है वो एल बराबर सेवेंटी टू सेंटीमीटर पे मिल रहा है हमें तो सेवेंटी टू सेंटीमीटर के क्रॉस पर्निंग हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है वो फिफ्टी ओम है तो पूरी डिस्टेंस कितनी हंड्रेड सेंटीमीटर रही है तो 100 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग 50 ओम है तो 72 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इतने वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा तो इससे कट करेंगे 8 टू, तो इससे कट करो तो ये कितना आया 36 ओम तो इतने वायर का रेजिस्टेंस 36 ओम है टोटल 50 है तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा 14 ओम तो इसका मतलब इस सर्किट को अगर मैं वापस ड्रा करूं यहां पर तो चलिए ड्रा कर लेते हैं आ, ये बैटरी ये r1 ये emf e इस पार्ट का रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है 36 यहाँ पर ये जोकिनिंगाइव ओम हो जाएगी क्योंकि आर नोट की वैल्यू फिफ्टी ओम है सो दिस रेजिस्टेंस इज ट्वेंटी फाइव ओम यहां पर ये बैटरी लगी हुई है ठीक है तो बैटरी मैंने ये कनेक्ट कर दी इसका ई एम एफ ई बाई टू है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमें दे रखा है आर और ये है और ये और जो कि मैंने यहां पे कनेक्ट कर दी तो ये हमें सर्किट मिल चुका है और बाकी सिक्स मैंने प्रॉपर वे से लिखा है तो हमें R1 की यहाँ पे करनी है। चलिए, पे चलते हैं और अब इसे हम करते हैं, देखो। चलिए आइए देखिए तो ये कंफर्म है कि इस वाले ब्रांच में कोई करंट जा नहीं रही क्योंकि तो नल डिफ्लेक्शन जीरो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई बाई टू के इसमें तो करंट जा नहीं रही है

तो मुझे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो A और B ए और बी के बीच मुझे पोटेंशियल डिफरेंस डिफ्रेंस एक्जेक्टली बाई टू के बराबर होगा तो एक्जेक्टली बाई टू के बराबर होगा तो ई बाई टू रख दिया मैंने बराबर अब बाकी इसको हटा दो बाकी इस सर्किट की बात करें तो इसमें करंट एकदम परफेक्ट सीरीज में ये सभी रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो हो रही है तो अगर मुझे इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगा सकता हूं यहां पर पोटेंशियल डिवाइडर रूल की अकॉर्डिंग ये दोनों का जो सम है वो कितना आ जाएगा फोर फोर्टीन प्लस ट्वेंटी फाइव या जाएगा थर्टी नाइन 39 ओम तो 39 ओम के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो e/2 के बराबर है तो मेन सर्किट के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा e जो मेन जो सेल है उसका ईएमएफ e है e into में आ, ये 25 प्लस 14 मतलब 39 डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट ये वाला ये वाला सीरीज में ठीक है वो आ जाएगा ये कितना आया ये तो आ जाएगा हमारे पास 50 50 प्लस 25 मतलब uh, 75 और वो r1 75 r1 ये लो जी अब यहां से देखिए से कैंसिल हो गया मल्टीप्लाई कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए थ्री ओम तो आर वन की जो वैल्यू थ्री ओम के एक्टली बराबर है तो हमसे आर वन पूछा था और आई थिंक ओम में ही पूछा है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा तो इंटीजर में क्या आंसर है थ्री ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स ऑफ masses थ्री MS एंड सिक्स एम एस इज नाइन आर तो दो स्टार्स है आपके पास और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो नाइन आर के इक्वल है तो एक स्टार जो है इसका मास मैं यहां लिख देता हूं थ्री एम एस और दूसरा जो स्टार है उसका मास है सिक्स एम एस और इनके बीच की जो डिस्टेंस है आपको गिवन है नाइन आर ये नाइन आर डिस्टेंस है

और जो रिवोल्व करती है वो टाइम पीरियड बड़ा सिंपल सा है टी इज इक्वल टू या टी इज़ इक्वल टू फोर पाई स्क्न जी एम एस मास ऑफ सन इन टू क्यूब है ना कैपिटल सिंपल सा रिजल्ट है तो ये टी स्क्ट फोर पा स्क्त अपॉन जीएमएस आरक्यूब इक्वल होगा यह कन्फर्म है लेकिन ये दोनों जो स्टार्स हैं ये इनके कॉमन जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन को सेंटर ऑफ मास का लोकेट uh, करना पड़ेगा पता लगाना पड़ेगा थ्री एम एस और सिक्स एम एस का जो सेंटर ऑफ मास है वो मैं सपोज थ्री एम एस से फाइंड करूं तो मान लीजिए डिस्टेंस है तो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ये एक्सीएम है एक्सीएम इक्व टू थ्री एमएस इंटू जीरो अगर मैं इसको ओरिजिन uh, पे लिया तो थ्री एमएस इंटू जीरो प्लस सिक्स एमएस इंटू नाइन आर सिक्स एम एस इंटू नाइन आर एम वन प्लस एम टू थ्री एम एस प्लस सिक्स एमएस एमएसएस के इक्वल है so, ये के ये तो यह कॉमन सेंटर जो ऑर्बिट है आ, जो आ, ये जो थ्री एमएस जो ऑर्बिट है कुछ ऐसा होगा और सिक्स एमएस का ऑर्बिट कुछ ऐसा होगा ठीक है कुछ रफली इस तरीके से हम बना सकते हैं तो ये थ्री एमएस जो एक्स रेडियस के सर्कल में रोटेट होगा तो थ्री एम एस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है 6ms लगा रहा है 6ms इस तरफ फोर्स लगाएगा और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की कहानी है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो सिक्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगाएगा जी इंटू मै थ्री एम एस मतलब जी एम वन एम टू वाला फोर्मुला लगा रहा हूं मैं जी थ्री एम एस इंटू सिक्स एम एस अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है कंप्लीट By R square होता है ना आर तो दोनों R के बीच की डिस्टेंस होगी नाइन आर के इक्वल है तो नाइन आर का स्क्र मतलब square, तो ये पे लगा, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, के होगा तो कितना आएगा थ्री एम एस ये मास आ गया इसका मास इंटू मे ओमेगा स्क्वेयर आर तो यहां पर ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर आर है इसकी रेडियस विच इज एक्स एक्स तो सिक्स आर के इक्वल है तो सिक्स आर यहां पर रख दिया मैंने ठीक है तो इस पार्ट को थोड़ा सेपरेट कर दें अपन तो यहां से देखिए थ्री एम एस थ्री एम एस कैंसिल सिक्स भी कैंसिल आउट हो गया ठीक है और ओमेगा स्क्वायर बचा है तो ओमेगा से मैं टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल लूंगा वहां से आर को डिवाइड में ले आए तो देखिए जी एम एस बाकी सब कट चुके हैं यहां से अपॉन में एट्टी वन आर क्यूब क्योंकि आर इधर आ जाएगा बराबर ओमेगा स्क्वायर अब जो ओमेगा है क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो एंटी के इक्वल है और ओमेगा जो होता है टू पाई बाय कैपिटल टी होता है तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर करना मुझे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर लेकिन टी यहां पर एंटी के इक्वल है तो इसको मैं लिखूंगा एन स्क्वायर टी स्क्वायर करेक्ट अब यहां पर अगर कंपेयर करो आप तो देखिए यहां पर बड़ा सिंपल सा रिजल्ट मिल रहा है अपन को टी स्क्वायर की जो वैल्यू है डायरेक्ट मैं रख दूं तो काफी सिंपल हो जाएगा चलिए इसको रख ही देते हैं अपन तो यहां पे रखता हूं मैं जी एम एस अपॉन एटी वन आरक्यूब इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और टी की जो वैल्यू वहां से रख देता हूं मैं टी स्क् और अपॉन में जीएमएस जीएमएस ऊपर चला जाएगा ठीक है ये देखो रिजल्ट आगे देखो फोर पाई आरक्यू देखो फोर पाई स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया आर क्यूब से आर क्यूब आउट हो गया जीएमएस से जीएमएस कैंसिल आउट हो जाएगा तो केवल और केवल क्या बचा एन स्क्र इज इक्वल टू बचा और अगर एन स्क्वेयर एटी वन की इक्वल है तो फिर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास नाइन तो देखिए एन की वैल्यू हमारे पास नाइन आ चुकी है तो ये भी क्वेश्चन देखा जाए तो आ, अपन डिफिकल्टी लेवल इसका अपन ज्यादा नहीं रख सकते सिंपल कैटेगरी का ही क्वेश्चन है ये ठीक के है केवल फॉर्मुलास्ट क्वेश्चन है सेंट्रोमास का लगाना था बाकी अगर नहीं भी देता तो भी अपन सेंट्रोमास के अबाउट ही मान के चलते ठीक है क्योंकि ये बाइनरी स्टार सिस्टम है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न फिजिक्स से लिया गया है नाइनटींथ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये। इन ए फोटो इमिशन एक्सपेरिमेंट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल्स पी क्यू आर आर ई पी ई क्यू एंड ई आर रेस्पेक्टिवली

और क्यू जो मेटल है उनके लिए आपने सेम लाइट यूज की है मतलब मतलब वेवलेंथ सेम होगी उनके लिए तो मतलब यहां पर जो लाइट आ रही है अगर उसकी वेवलेंथ है तो इस पर भी जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ठीक है ठीके? ओके और मेटल आर के लिए डिफरेंट है मेटल आर के लिए डिफरेंट है इसके लिए मैंने लेमडा डैश मान लिया चलिए जी द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल्स पी क्यू एंड आर आर फोर पॉइंट जीरो फाइव फोर पॉइंट फाइव एंड फाइव पॉइंट फाइव इलेक्ट्रोन वोल्ट रेस्पेक्टिवली तीनों का वर्क फंक्शन भी हमें गिवन है द द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन यूज्ड फॉर मेटल आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्टज मतलब ये पूछा है है कि जो आ, आर जो आर मेटल उस पर जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी वो हमें बतानी है यहां पर ठीक है जी तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं आइंस्टीन की जो इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए वो हमें लिखनी पड़ेगी तो सबसे पहले इसकी बात करता हूं इस पे फोटोन जो इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी एसी वाय बराबर वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन जो पी है उसका अपन को दे रखा है फोर पॉइंट जीरो 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है प्लस कई मैक्स होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की ठीक है हो गया जी नेक्स्ट क्यू की बारी है बारू पर भी सेम फोटोन जो इंसिडेंट हो रहा है एनर्जी सेम रहेगी वर्क फंक्शन क्यू डिफरेंट है विच इज फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव रख देते हैं प्लस इसकी जो एनर्जी है वो ई है क्योंकि मैंने EQ के आ, कोई रिलेट किया ईपी की जो वैल्यू के टर्म्स में लिखी है तो ई क्यू क्यू रहेगा यहां पर कोई दिक्कत नहीं है थर्ड की बात करें थर्ड के लिए फोटोन जो है वो अलग है एच सी बाई ब इसका जो वर्क फंक्शन है 5.5 है 5.5 रख दिया प्लस और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो टू आर है और यहां गौर से देखिए टूक्यू बराबर टू ई आर विच मीन ई क्यू बराबर ई ER, आर तो ईआर ER की वैल्यू भी ई क्यू के बराबर आ गई ये लो जी और हमसे पूछा क्या है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन यूज फॉर मेटल आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब आर का जो जो मेटल है ना उस पर कितना कितनी एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट हो रहा है मतलब हमें कुल मिला के इसकी वैल्यू पूछी है अब इसकी वैल्यू तभी आ पाएगी जब आपके पास ई की वैल्यू होगी और ईक्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दो इक्वेशन बड़ी सिंपल सी नजर आ रही है इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो ऐसी वैल्यू हमें दोनों को बराबर है तो मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो देखो फोर पॉइंट जीरो प्लस टू ई इज इक्वल टू यहां कितना आएगा फोर पॉइंट फाइव प्लस ई टूक्यू क्यू इधर जाएगा तो केवल eq बचेगा और फोर पॉइंट फाइव में से फोर जीरो तो रख दो तो पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव होकर कितना सिक्स पॉइंट जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये जो मेटल आर है उस पर सिक्स पॉइंट जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग आर की जो वैल्यू है वो हमें बतानी थी तो इंटीजर में देना है जवाब तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है तो तो इसका आंसर आ गया तो ये था क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर का लास्ट ठीक है आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा तो बेसिकली मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये पेपर कंपेरेटिवली जो था वो इजी था पिछले साल के काफी इजी था पेपर फर्स्ट काफी इजी था पेपर टू में एक दो क्वेश्चन जो थे थोड़े से ट्रिकी थे बाकी ओवरऑल देखा जाए पेपर इजी कैटेगरी में था ओके थैंक यू